Up to best notes tutorial, we will be covering all ages in this series, and here are my notes. So you can see that before Chaucer, we we will start studying English literature from here. So before Chaucer, it was 450 to 1340. In if you are studying or you are just starting studying history of English literature, I history of English literature just start current. तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो करना है कि आपको ये पूरी टाइम लाइन आप लोगों को रट लेनी है क्योंकि एक बार अगर आप टाइम लाइन रट लेंगे तो उससे आपका बेनिफिट क्या होता है कि आपको एनालाइज़ करने में इजी रहता है और आप किसी भी एज की थीम हो या किसी भी एज का जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप इज़ीली अपने ब्रेन में इस्टेब्लिश कर पाते हैं अगर आपने इस पर मेहनत करनी है तो आप लोग कम से कम दो से तीन दिन आपको क्या करना है सिर्फ टाइम लाइन पर वर्क कीजिए जब आपको बाद में इसका बेनिफिट पता चलेगा अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम लाइन एक बार इस्टेब्लिश हो गई तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बजाय कि आप शुरुआत करेंगे चौसर से आप चौसर को स्टडी करेंगे देन एंग्लो सेक्शन नॉर्मन, चौसा नरविनेसा आप इस तरह से स्टडी करते हुए चलेंगे उससे पहले बस इसमें आपको दो से तीन दिन लगेंगे लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया पूरी जो टाइम है उसका होना चाहिए तब जाके आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं बिफ़ोर चौसा ये आपका टाइम पीरियड था 450 टू 1340 जैसे कि आपको पता ही है 1340 में चौसा का जन्म हुआ था ही वॉज़ बॉर्न सो वहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ से 1340 लेकिन इसके बीच में कुछ टाइम लाइन जो डिवाइड की जाती है वो की जाती है एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉमन पीरियड तो जो ये पीरियड है आपका 1066 इसमें नॉमन कंक्वेस्ट हुआ था तो इस वजह से यहाँ से शुरू किया जाता है तो एंग्लो सेक्शन आपका हो गया फोर फिफ्टी टू फोर फिफ्टी टू तक वन जीरो सिक्स सिक्स से और थर्टीन फोर्टी तक आपका एंग्लो नॉर्मल पीरियड है एज ऑफ चौसर ये आपका थर्टीन फोर्टी टू फोर्टीन हंड्रेड यहाँ पर चौसर की डेथ हो जाती है तो यहाँ तक हम इसको इस पीरियड को मान के चलते हैं आगे चलते हैं डेथ ऑफ़ चौसा टू रिनेसा तो रिनेसा तक या रिवर्स ऑफ़ नॉलेज तक आपका 1400 टू फिफ्टीन सिक्सटीन तक इस पीरियड को माना जाता है अर्ली रेनेसा अर्ली रेनेसा का पीरियड अब रेनेसा को ही हमने क्या किया है डिवाइड किया है हमने तो क्या कहेंगे लेकिन हिस्टोरी लिटरेरी हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया कुछ पार्ट्स में तो अगर आप देखेंगे इसमें जो पोइट्री सेक्शन है वो आपका है 1568 सिक्सटी एट टू सिक्सटीन जेकोबियन पोइट्री 1603 जीरो थ्री टू सिक्सटीन प्रोज का जो पीरियड है अब ये जो एक तरह से कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है या इसको हम कहें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो वो आपका क्या है कि पोइट्री जो सेक्शन था 16 क्योंकि जब हम रिबर्थ ऑफ नॉलेज की बात करते हैं रिनेसा की बात करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डिवेलप हुई है इंग्लिश लिटरेचर में इस पीरियड में ठीक है तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो पोइट्री डिवेलप हुई वो पीरियड था आपका फ़िफ्टीन सिक्सटी एट टू सिक्सटी जीरो थ्री तक जेकोबियन एन जो थी वो सिक्सटीन जीरो थ्री टू सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव प्रोज जो थी वो आपका फिफ्टीन सिक्सटी टू सिक्सटीन ट्वेंटी फ़ाइव ड्रामा जो है आपका वो फिफ्टीन सिक्सटी एट टू सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ये आपका पीरियड है इसमें जो ड्रामा डिवेलप हुआ है सबसे ज़्यादा डिवेलप हुआ है इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगा शेक्सपियर के जो ज़्यादा वर्क है वो आपके इसी के इन uh, बिटवीन आपको मिलेंगे पोस्ट शेक्सपियर ड्रामा जो शेक्सपियर की जब डेथ हो गई थी सिक्सटीन uh, सिक्सटीन तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटीन फोर्टी टू सिक्सटीन फोर्टी टू एक ऐसा पीरियड है जब बहुत ज़्यादा क्या था ड्रामा को uh, ब्रिटेन में हेट करना शुरू हो गया था या ड्रामा को क्लोज़ कर दिया गया था यहाँ तक कि बहुत सारे थिएटर्स क्लोज़ हो गए थे सिक्सटी फोर्टी टू में और ये पीरियड कब था शेक्सपियर के जस्ट बाद तो इम्पॉटेंट है ये डेट या यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं 1642 को उसके बाद आते हैं अर्ली रुनीसा फ़िफ्टीन सिक्सटीन टू फिफ्टीन द एज ऑफ शेक्सपियर जो एज ऑफ शेक्सपियर माना जाता है वो आपका फ़िफ्टीन फ़िफ्टी एट टू सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव माना जाता है अब आप बोलेंगे कि सिक्सटीन सिक्सटीन में तो शेक्सपियर uh, की डेथ हो गई थी तो सिक्सटीन टवेंटी फाइव कैसे एक्चुअली क्या होता है कि जो एज इंग्लिश लिटरेचर में पर्टिकुलरली किसी एज का नाम इस तरह से रखा जाता है कि जहाँ तक उस राइटर का इन्फ्लुएंस होता है जैसे अब नीचे देखिए रोमांटिक पीरियड है या एज ऑफ वर्ज वर्थ कहते हैं तो वर्ज वर्थ को ये डेडिकेट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो था वो क्या था वर्ज वर्थ का अच्छा इन्फ्लुएंस रहा इसके बीच में तो इसलिए इसको वर्ज वर्थ को डेडिकेट कर दिया गया तो यहाँ पे शेक्सपियर को इसलिए डेडिकेट किया गया है क्योंकि शेक्सपियर का उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था द रेस्टोरेशन पीरियड यहाँ पर चौसेकेंड का रेस्टोरेशन होता है उनको दोबारा अपनी राजी मिलती है तो रेस्टोरेशन पीरियड ये सिक्सटीन सिक्सटी टू सेवनटीन हंड्रेड और यही पीरियड किसका था ड्राइडन का पीरियड था तो इसे एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है और इसको रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है अब आपको क्या करना है डी पी जे इस तरह से आप इसे डी पी जे आप इसको क्या कर सकते हैं या इज़ीली याद रख सकते हैं डी पी जे यहाँ पर आप रख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं द एज ऑफ पोप द एज ऑफ पोप है आ, वो है आपका सेवनटीन हंड्रेड टू सेवनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी और जब भी आप इसको याद करें जब आपको कोई याद करने हो ये डिज़िट याद करने तो आपको सेवन हंड्रेड फिफ्टी या आप uh, सेवन हंड्रेड एट इस तरह से याद करने के बजाय 1798 एट याद रखिए और उससे पहले आपको पीछे की डिज़िट आप लोगों को क्या करनी है याद रखनी है जब आप पीछे की डिज़िट जो है वो आपको याद रहेगी तो आप इजीली आप लोगों को बाकी चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाएंगी तो यहाँ पे है आपका द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन रेनेसा ऑफ इसे रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है और रोमांटिक पीरियड ये वर्ज वर्ज को आपका डेडिकेटेड है तो आप इसे इस तरह से डी पी जे और डब्ल्यू इस तरह से शॉर्ट में याद रख सकते हैं डी पी जे डब्ल्यू तो एक सीक्वेंस में आप लोगों को राइटर भी याद हो जाएंगे और इसके बाद आपको टी मेंशन कर देना है तो डी पी जे डब्ल्यू टी ठीक तो आपको ये याद रहेंगे कि राइटर्स का भी आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको आप इंजॉय करेंगे फिर कि जैसे जैसे आपको सीक्वेंस अगर ऑलरेडी याद है तो आप इजीली इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देखिए इस तरह से कि भी आप लोग याद रख सकते जैसे पोप है यहाँ पे तो पोजो और फिर आप वो से याद रख सकते हैं इसको और उसके बाद सिंपली आपका एम ओ है तो देखो पी ओ जे ओ डब्ल्यू ए एम ओ इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं उसके बीच में विक्टोरिया ने रहा आता है किसी तरीके से आपको इसे याद रखना है ठीक है तो वी आई इनके बीच में क्योंकि एक तरह से आप लोग यहाँ पे देखिए कि हम लिख रहे हैं पी ओ जे डब्ल्यू ओ एम ओ इस तरह से हमने लिखा है तो देखिए ये सारी सारा एक जैसा है तो ये तो आप लोगों को याद रहेगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि वी आई इसके बीच में आता है तो क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये हमें याद हो जाएगा तो दोनों सीरीज़ आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएंगे डी पी जे डब्ल्यू टी एंड पी ओ जे ओ डब्ल्यू ओ और वी आई एंड एम ओ तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका है रिपीटेशन बढ़ा दीजिए जो आपका इतना ये सारा है इस पर आपको एटलीस्ट फाइव टू जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए बैठें तो एक चैलेंज रखिए आपने लिए कि फ़ाइव मिनट आपको क्या करना है इस एक पेज पर आपको डिस्कशन करना है या आपको इसके बारे में सोचना है कि ओके आपको सबसे पहले जैसे आपने चौसा सेक्शन एंग्लोन चौसा पढ़ते जा रहे हैं आप अब इसके बाद सेकेंड जो स्टेप आएगा वो ये होगा कि आपको इनकी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि जैसे विक्टोरियन एरा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइंस और जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थे वो साथ साथ चलते थे ठीक है आप रोमांटिक पीरियड में आ जाते हैं तो रोमांटिक रोमांटिक पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो एक फ्री एक्सप्रेशन होता है ठीक है वो आपका रोमांटिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा बहुत सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप जस्ट शुरू कर रहे हैं रेस्टोरेशन एज क्या है रेस्टोरेशन किस चीज़ का रेस्टोर हुआ होगा मतलब कौन चीज़ फिर से दोबारा से वहाँ पे हुई होगी तो रिस्टोर क्या हुआ है वहाँ पे सिंपली जो सेकंड था उसका रेस्टोरेशन हुआ है एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में सिंपली आपको ड्रामा याद रखना है कि इतना इतना ड्रामा उस टाइम पे लिखा गया था रिनेसा रिनेसा क्या है ये बर्थ ऑफ नॉलेज है बर्थ ऑफ़ नॉलेज कहाँ से शुरू हुआ था इटली से शुरू हुआ था अच्छा ओके आप लोगों को इस तरह से जो एज ऑफ चौसर है इसे सिग्निफिकेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट एज कहा जाता है जैसे कि अगर मैं आपको अगले नोट्स में आपको दिखाऊं इसको तो ये ये है आपका ठीक है तो एज ऑफ चौसर को अभी हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे उसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में फिर से तो आप देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट एज है ठीक है तो आपको मैं एक सजेशन भी दूंगा कि अगर आप भी इस तरह से नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हर एक पेज में कीवर्ड्स होते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं बुक्स उठाते हैं और पूरा का पूरा मैटर अपने नोट्स में लिख लेते हैं तो फिर वो नोट्स ना हो के बुक ही बुक ही हो गई है हमने बुक को ही कॉपी कर लिया पूरा तब देखिए नोट्स क्या होता है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स होने चाहिए अगर आप यहाँ से देखेंगे ये मैंने नोट्स तैयार किया है और यहाँ तक आप देखेंगे तो सारे आपको टोटल सिर्फ की दिखाई देंगे जहाँ पर भी आप आ, एक तरह से देखेंगे तो आपको कीवर्ड्स दिखाई देंगे और वही कीवर्ड्स आपके क्वेश्चंस होते हैं जैसे नॉर्मन कनकवर्ट्स कब हुआ ओके वन जीरो सिक्स सिक्स बिगनिंग ऑफ हंड्रेड ईयर वॉर थर्टीन थर्टी एट अब देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ तो ये आपका हंड्रेड ईयर्स वॉर हो गया और नेशनल यूनिटी वॉज स्ट्रेंथन ओके यहाँ पर आपका नॉर्मन इन्वेडेड इंग्लैंड कब इन्वेट किया था तो ज़ीरो सिक्सटीन यूज हुआ था तो ये सब आपके क्या हैं कीवर्ड्स हैं तो जब भी आप जैसे ब्लैक डेथ हो गया तो कब हुआ था तो ये तीन ईयर्स थे जब हुआ था सिक्सटी टू सेवेंटी सिक्सटी सेवन एंड सेवेंटी में हुआ था तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स अपने नोट्स में रखने हैं सिग्निफिकेंट एज एज ऑफ चौसा जैसा कि कल मैंने टाइम लाइन पढ़ाते हुए आपको कहा था कि जो एज ऑफ चौसा का है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट एज है फर्स्ट इंपॉर्टेंट एज है क्यों इम्पॉर्टेंट एज है क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर लिखा नहीं गया और हमें देखने को भी नहीं मिलता है एन एरा ऑफ ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन होता है एक एरा ऑफ ट्रांजिशन उसको कहा जाता है कि जैसे एक एज है आपकी और उसके बीच का जो टाइम है दूसरी ऐज में जाने से पहले आपका जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं ऐज ऑफ़ ट्रांजिशन कहते हैं और ऐज ऑफ़ चौसर की हम बात करें तो इसमें चौसर जो है उसने थ्री किंग्स के टाइम पर काम भी किया और राइटिंग की और उनके साथ हम कहें कि जो कोर्टशिप थी उसमें रहे हो उनके कोर्ट्स में भी रहे तो एडवर्ड थर्ड ये काफ़ी बार पूछा जाता है और रिचर्ड सेकेंड हैंनरी फोर्थ अब आप इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से याद रखिए कि जब भी आपको uh, याद रखना हो तो ई आर एच ई आर एच और इसको इस तरह से लिखिए सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हमेशा इस तरह से ही आपको करना है जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना है ई आर एच लिखना है और उसके नीचे पहले सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपको पता है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की बात हो रही है तो सेकेंड देखिए ये तो सेकंड है वन टू सेकंड हो गया आपका और ये आपका थर्ड हो गया ये आपका फोर्थ हो गया जो बच गया है तो आप एक कैलकुलेशन इस तरह से चला सकते हैं ठीक है अपनी ई आर एच ये हो गया आपका सेकंड ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ ऑल right. तो आपको तो याद हो जाएगा इस तरह से और एक जब हम रीज़निंग से याद करते हैं किसी चीज़ को जैसे हमने यहाँ पर इसे याद याद कर लिया रीजनिंग से हमने इसको याद किया है इन चीज़ों को तो आपको ये जब आप इनके हिसाब एग्ज़ाम में भूल गए कि कौन सा था सबसे पहले एडवर्ड थर्ड था फिर रिचर्ड सेकेंड था और हैंनरी फोर्थ था तो आप क्या करेंगे कि सिंपली लिखेंगे ई आर एन एच इस तरह से आप लोग लिखेंगे आप लोगों को पता रहेगा कि पोजीशन इसकी सेकंड है और फोर्थ बाद में ही आता है और ये थर्ड हो गया आपका तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड एंड हैंनरी फोर्थ कहाँ कहाँ पे थे क्या क्या था उनका सीक्वेंस कौन सा था तो ये चौसर से रिलेटेड है ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट अब जो नॉमन कंक्वेस्ट हुआ था उसने क्या किया था कि एक नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया था उस टाइम पे तो नॉमन्स ने क्या किया इंग्लैंड को इन्वेट किया था वन जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर अटैक करता है तो क्या होता है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट पैदा हो जाता है इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको कहूँगा कि जैसे भारत और पाकिस्तान में अगर कभी युद्ध होता है चाइना में युद्ध होता है तो पाकिस्तान से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इंडियंस तो क्या होता है कि अचानक से एक जब भी वॉर होता है तो एक सेंटिमेंट बढ़ जाता है तो इसी तरह से क्या था कि जब नॉर्म्स ने इन्वेट किया था इंग्लैंड को तो वहाँ पे क्या हो गया नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ गए थे दी कॉन्शियसनेस ऑफ नेशनल यूनिटी वॉज स्ट्रेंथन और यही टाइम था कि जब जो कॉन्शियसनेस था नेशनल नेशनल यूनिटी के लिए वो भी बढ़ने लग गया लोग यूनिटी uh, फील करना चाहते थे नेक्स्ट था दंड्रेड ईयर्स वॉर एंड बैटल ऑफ क्रेसी एंड पॉइटर्स तो ये क्या था ये सारी चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन पर ही हुई थी तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम यहाँ पर देखेंगे ब्लैक डेथ एंड एंड फेमाइन सोशल अनरेस्ट है तो ये जो टाइम पीरियड था वो था आपका थर्टीन फोर्टी एट टू फोर्टी नाइन का इसके बाद जो ब्लैक डेथ थी वो तीन साल और आई थी वो था आपका सिक्सटी टू सिक्सटी सेवन एंड सेवेंटी यू शुड रिमेंबर दिस क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है तो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आप पूछा नहीं जाता है तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएँ पिजेंट रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1381 में हुआ था एंड इट वॉज़ अपराइजिंग ऑफ मासेस सप्रेस्ड बाय रिचर्ड सेकंड और ये देखिए रिचर्ड सेकंड के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी ठीक है तो ये रिचर्ड सेकंड जब भी आप यहाँ पर रिचर्ड सेकंड लिखेंगे अपने शॉर्टकट में ई आर एच आपको याद होगा तो ई आर एच जब भी आप लिखेंगे तो आपको क्या करना है ये याद रखना कि इसने क्या किया था आ, सप्रेस किया था पिज़ान रिवॉल्व को 1381 को तो ये भी एक तरीका है याद करने का कि हम पिज़ान रिवॉल्ट हमने रिलेट कर दिया तो 1381 की बात हो रही है ठीक है तो शॉर्टकट याद रखिए कि जैसे हमने कहा कि 81 वन पिज़ाट्स वर सप्रेस्ड बाय रिचर्ड सेकंड तो रिचर्ड सेकेंड आप जब भी लिखेंगे तो ऐटी उसके साथ में लिख सकते हैं ठीक है तो एटी आपने लिख लिया और इस तरह से आपको याद रहेगा कि रिचर्ड सेकेंड 81, वन एटी वन ने बहुत मारा था किसको रिचर्ड सेकेंड को या ये बोल सकते हो रिचर्ड सेकेंड ने उसको मारा था या कुछ भी आपको अपने दिमाग में स्टोरी बिल्ड करनी है और वो आपको याद रहेगी हमेशा याद रहेगी कभी भूलेंगे नहीं आप उसको द करप्शन ऑफ द चर्चेज एंड रिफॉर्मेशन अब उस टाइम पे जो चर्चेज़ थे उनमें क्या था करप्शन बहुत था ठीक है जब करप्शन बहुत था चर्च में तो फिर वहीं पर रिफॉर्मेशन की भी बात आती है जब कोई भी बुरी चीज़ होती है तो उसके लिए कोई ना कोई उसके अगेंस्ट हिस्ट्री में हमेशा उठाया और अभी भी ऐसा होता है कुछ बुरा होता है तो उसके अगेंस्ट आदमी खड़ा उठता है ठीक है एक लेवल तक ही आप इंसान को दबा सकते हैं उसके बाद क्या होगा रिवॉल्ट होगा और उसके लिए कोई ना कोई उसका लीडर बनता है तो इसमें जॉन वाइकलिप थे और इन्हीं को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन आप ये मान सकते हैं मॉर्निंग स्टार क्योंकि बहुत पहले के हैं तो इसलिए शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं तो इसलिए उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया और लोलार्ड मूवमेंट को उन्होंने चलाया था फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपोजिशन टू कैथोलिसिजम इन इंग्लैंड और <coughs> सॉरी कैथोलिसिज्म जो था इंग्लैंड में उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट अपोजिशन हुआ था लॉ लर्न मूवमेंट था एंड ही ब्रॉड कंप्लीट वर्जन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश और उन्होंने एक कंप्लीट वर्जन ऑफ बाइबल भी लिखी थी किसने जॉन वाई क्लिप ने ठीक है अब कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए चलो आज के लिए हम इतना डिस्कशन काफ़ी है आप लोगों को चौसौ के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी ई आर एच समझ में आ गया होगा आपको एट्टी वन आप लोगों को याद हो गया होगा और वन जीरो सिक्स सिक्स याद हो गया होगा कि यहाँ से वन जीरो सिक्स सिक्स जैसे आप लोगों को दिमाग में आया कि वन जीरो सिक्स सिक्स वन जीरो सिक्स सिक्स को क्या हुआ था आप खुद से डिस्कशन कीजिए तो ये क्या हुआ था नॉर्मन इन्वेड नॉर्मन ने इन्वेड किया था इन्वेड करने का फ़ायदा क्या हुआ इंग्लैंड को इंग्लैंड को ये फ़ायदा हो कि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ गई ग़ और सॉरी यूनिटी बढ़ गई और लोग ख़ुद को क्या करने लग गए एक आ, नेशनल यूनिटी हो गई और एक जो कॉन्शियसनेस आ गई नेशनल यूनिटी का वो किससे आई थी नॉर्मन कन्क्वेस्ट आई थी इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट था नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब हुआ था वन जीरो सिक्स सिक्स फिर बिगनिंग ऑफ हंड्रेड ईयर्स वॉर ये थर्टीन थर्टी एट में हुआ था तो हंड्रेड ईयर वॉर थर्टी एट तो ये पहले आप पीछे याद रखिए फिर आगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको क्योंकि ऑलरेडी हमें थर्टीन फोर्टीन तो याद हो ही जाता हैनरी फोर्थ एसेंडेड थ्रो नाइन्टी नाइन कब एसेंड किया था उन्होंने नाइन्टी नाइन अब इससे देखिए जो लैंगलैंड की डेथ है और चौसर चौसर की डेथ भी 1400 में ही है ठीक है याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको 1400 तो हो गया आपका चौसर की डेथ माइनस वन कर दीजिए माइनस वन जैसे ही चौसर की डेथ होने वाली थी तो हैंनरी फोर्थ क्या हो गए उन्होंने थ्रोन को एसेंड किया था यहाँ पे आप लोगों का है लैंगलैंड की डेथ भी आपके 1400 में हो गई तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी चौसर का बर्थ जो हुआ था वो 14 में हुआ था थर्टीन uh, फोटी में होता है ये तो आपको ऑलरेडी याद है uh, वो टैलर्स रेबेलियन या इसको ही पिजानस रिवॉल्ट कहा जाता है यहाँ पे देखिए ये पिजानस रिवॉलॉल्ट था ठीक है बहुत हाउस पॉच हो गया पर पिजान्स रिवॉल्ट इसी को कहा जाता है तो थर्टीन एटी वन थे थर्टीन एटी वन आर आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे मैंने लिखा था ये आर एच तो होपफुली आपको याद भी हो रहा होगा पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में मेरा मोटिव ही ये है कि डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको याद भी हो जाए डेथ ऑफ एडवर्ड थर्ड ये आपका सेवेंटी सेवन में होगा अब देखिए ये डबल है आपका 77 सेवन ये नाइन्टी नाइन आपका क्या है ना मीन्स डबल डिजिट है ठीक है तो आपके पास तीन डबल डिजिट आ गई हैं देखिए सिक्सटी सिक्स 99 सेवन नाइन्टी नाइन ओके इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं तो सिक्सटी सिक्स में क्या होता है ये आपका नॉर्मन कंक्वेस्ट है 77 सेवन में अभी हमने देखा था एडवर्ड थर्ड देखिए यहाँ पे एडवर्ड थर्ड का आप लोगों को याद रखना है कि ये सेवेंटी सेवन है आपका ठीक है ये नाइन्टी नाइन है देखिए कितना अच्छा है आप लोगों को सेवनटी सेवन नाइन्टी नाइन सेवनटी सेवन नाइन्टी नाइन ओके इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं ये तरीके हैं आपको खुद के डिस्कशन के साथ में बैठ के ऐसा ही डिस्कशन खुद से कीजिए खाली पढ़ते मत रहिए ये हो गया वो हो गया ये हो गया हो गया नहीं यू नीड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर डिस्कसिंग थिंग्स विद योर सेल्फ यू विल नेवर फॉरगेट दो थिंग्स तो आगे चलते हैं ये आपका कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोर्टीन सेवेंटी सिक्स ये आपका टी जी टी पी जी टी का फेवरेट क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है कैक्सटन का जो प्रिंटिंग प्रेस था वो सेटअप हुआ था आपका सेवेंटी सिक्स अब देखिए अगर आपको ये याद हो गया ना सेवेंटी सेवन आपको याद हो गया यहाँ पे एडवर्ड का तो आप एक और याद जोड़ लीजिए ये माइनस वन कर दीजिए ठीक है ये नाइन्टी नाइन था आपका तो इसमें आप प्लस वन कर दीजिए यहाँ पे आपने माइनस वन किया यहाँ पर प्लस वन किया तो फोर्टीन हंड्रेड हो गया फोर्टीन हंड्रेड में चौसा और लैंगलैन की डेथ हुई थी इस तरह से कुछ कैलकुलेशन बिठाते जाइए और आपको याद होता जाएगा सिक्सटी सिक्स प्लस टेन कर लेंगे तो सेवेंटी सेवन आ गया अब रिचर्ड आपका एडवर्ड सॉरी एडवर्ड थर्ड आपका आ गया वहाँ पे तो इस तरह से आपको याद रहना याद हो जाएगा ब्लैक डेथ ब्लैक डेथ फोर्टी एट फोर्टी नाइन की बात है लेकिन तीन और थे सिक्सटी टू सिक्सटी सेवन एंड सेवेंटी ये भी याद रखना है आपको वॉर ऑफ़ रोजेस जो हुआ था वो फिफ्टी फाइव देखिए फिफ्टी फाइव एक और आ गया देखिए फिफ्टी फाइव तो आपके पास में कितने हो गए फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सेवन नाइन ठीक है कमेंट बॉक्स में ज़रा ये लिखिए कि फिफ़्टी फाइव में क्या हुआ था सिक्सटी सिक्स में बिना यहाँ देखे बिना बिना ऊपर देखे आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो लिखनी है तो फिफ्टी फाइव में वॉर ऑफ़ रोजेज़ हो गया आपका ठीक है सिक्सटी सिक्स नॉमन हो गया आपका सेवनटी सेवन आपका एडवर्ड थर्ड हो गया नाइन्टी नाइन आपका क्या हो गया हेनरी पोल चौसो वॉज बॉर्न इन थर्टीन ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप लोग उसे देखिए जरूर तो आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा uh, पूरे सीरीज में तो फादर का नाम क्या था uh, तो वो था आपका जॉन चौसर 1351 ही ज्वाइन आर्मी सो जो चौसर थे उन्होंने 1359 में सॉरी 1359 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी एंड ही वेंट टू फ्रांस Uh, so, वो फ्रांस में गए थे और वहां उन्हें कैप्चर कर लिया गया था वहां वो पकड़े गए थे इन 1360 इट वाज ट्रीटी ऑफ बिटिगनी और ट्रीटी ऑफ बिटिंगनी की वजह से उनको भी छोड़ा गया था सो so, जो ट्रीटी ऑफ बिटिंगनी थी वो कब हुआ था थर्टीन में टेन ईयर्स ही स्पेंट इन एडवर्ड कोर्ट जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक शॉर्टकट बताया था ई आर एच तो होपफुली आप लोगों को ई आर एच के बारे में पता होगा अगर आप लोगों को पता है ई आर एच क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी और इसके नीचे मैंने कुछ लिखने के लिए बताया था तो आप लोग लिख सकते हैं इज इक्वल करके आप लोग लिख सकते हैं क्या आपको याद है इन तीनों के बारे में मैंने नीचे क्या बताया था आप लोगों को राइट सो लेट्स गोट थर्टीन 136887. एट एटी ऑफिशियल जर्नी तो एक ऑफिशियल जर्नी में कहाँ कहाँ गए थे फ्लैंडर गए थे फ्रांस गए थे इटली गए थे तो इसमें आप लोगों को एक चीज अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि इस बात का की क्या इम्पोर्टेंस है कि वो इटली गए फ्रांस गए तो क्या इससे क्या होगा लेकिन उनके जो वर्क थे जब वो फ्रांस गए तो क्योंकि राइटर भी थे साथ में तो उन्होंने क्या किया यहाँ जाकर फ्रांस या इटली जाकर उन्होंने कुछ स्टडी की चीजों को स्टडी किया तो उसका इन्फ्लुएंस हमें चौसर पर देखने को मिलता है और जो चौसर पर जो इन्फ्लुएंस है सेम इन्फ्लुएंस हम काउंट करेंगे किस पे इंग्लिश लिटरेचर पे काउंट करेंगे तो जो भी राइटर पर इन्फ्लुएंस है इसका मतलब इंग्लिश लिटरेचर पे भी है तो इसका एक इंपॉर्टेंस बनता है कि जो चौसर है वो कहाँ गए हैं फ्रांस या इटली गए हैं वहां उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा 1400, 1400, में उनकी डेथ हो गई थी. He died and उन्हें कॉर्नर बरी कर दिया गया था ऑर्डन ने उनके बारे में कहा था लाइक शेक्सपियर एंड मिल्टन ही वॉज ऑन अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड अफेयर्स कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर और मिल्टन uh, की तरह वो ना, इन दोनों से डिफरेंट थे थोड़े से इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड और अफेयर में भी रहते थे कहने का मतलब ये था कि राजनीति और बाकी चीज़ों में भी उनका इंटरेस्ट था जैसा कि आप लोग देख सकते हो आर्मी ज्वाइन किया था उन्होंने तीन तीन किंग्स के शासन काल में उन्होंने क्या किया था आ, लिखा था नाउ लेट्स कम टू डिस्कस थ्री पीरियड्स इन चौसर्स पोइटिक करियर उनका जो पोइटिक करियर था उसे हम एक आ, अगर हम कहें कि कंफर्टेबल होने के लिए हम उसे थ्री पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं so, सो पहला जो पीरियड है वो है आपका फ्रेंच पीरियड जैसा कि मैंने कहा कि वो फ्रांस घूमने गए थे फ्रेंच पीरियड में उन्होंने क्या लिखा ए बी सी अ प्रेयर टू दर्जन ही ट्रांसलेटेड सम ऑफ दार्ट ऑफ रोमन डेला रोज एंड द बुक ऑफ डचेज उन्होंने लिखी थी थर्टीन सिक्सटी नाइन में ऑन डेथ ऑफ ब्लॉन्चे जॉन ऑफ गाउंड तो जो ब्रांच थी वो कौन थी जॉन ऑफ गाउंट्स की वाइफ थी उस पे उन्होंने एक बुक लिखी थी द बुक ऑफ डचेस इन 1369 नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोट्स सो हियर इज द नेक्स्ट वन द इटालियन पीरियड इटालियन पीरियड 1382 उन्होंने लिखा था लिखी थी ये बुक द हाउस ऑफ फेम इट वाज अ ड्रीम एलेगरी ये एक ड्रीम एलेगरी है दी पार्लियमेंट ऑफ हाउस ट्रायलस एंड बेस्ड ऑन बुकेशियोसो तो उन्होंने जो बुकेशियो थे उनका उनकी बुक है, to, काफी बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि ये वर्क ट्रेडिडा जो है, वो किस, पे है आ, किस पर डिपेंड करती है तो वो थी आपकी बेस्ड ऑन बुके लिखा इट वॉज अनफिनिश इट इज स्टिल अनफिनिश

वर्ड यूज सबसे पहले किए थे ही इंट्रोड्यूस्ड हेरक कपलेट उन्होंने हेरक कपलेट सबसे पहले यूज़ किया था एंड uh, अगर हम कैंटम्परी टेल्स की बात करें तो आपकी अ ह्यूमन कॉमेडी भी उसे कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पॉइंट ऑफ इंग्लैंड तो आप जैसे देख सकते हैं नोट्स में कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो इसी तरह से आप सिर्फ कीवर्ड्स उसमें रखिए बहुत ज्यादा डालेंगे तो आपका रिवीजन टाइम क्या होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा War of Roses, War of Roses started uh, in 1455 and 1487 में खत्म होता है. England, Wales and Lawless ये इसमें include थी जगह. Result क्या था? Lancasterian War and Tudor Dynasty was established. और जैसे Lancasterian क्या हुए थे, आ, जीते थे, तो पे आ थे। अब एक way, क्योंकि हमें वैसे भी याद करनी होती है इंग्लिश लिटरेचर मेंस्टर आप बोलेंगे तो देखिये यहाँ हम को याद रहेगा कि ये आपका क्या है रेड लैंकेस्टर ओके क्योंकि उनके दोनों जो डायनेस्टी थी उनकी व्हाइट एंड रेड रोज उनके सिंबल थे इसीलिए इसको वार ऑफ रोजेस कहा जाता है तो आप लोग देख सकते हैं लंकेस्टर में लास्ट में r है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसी को हम रेड मान के चलेंगे ठीक है यॉर्क में हाउस ऑफ यॉर्क में नहीं है r लास्ट में तो याद हो गया होगा आप लोगों को लंकेस्टर में r है तो ये हो गया आपका रेड अब रेड रोजेस जो थे रेड क्या होता है आप देखिए रेड ज्यादा खतरनाक होता है तो ज्यादा खतरनाक जो होगा वो जीत जाएगा मींस हु इज फेयर्स इन वॉर द यूजली विन सो दैट्स वाई लैंकेस्टेरियन वन तो ये हम अपना एक याद रख सकते हैं लैंकेस्टेरियन जीते थे या हाउस ऑफ यॉर्क जीता था ओके होप फुली क्या आपको अब आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन जीता था कौन हारा था द इंग्लिश पीरियड स्मॉलर पॉइंट्स ही रोट फॉर्मा एज फॉर्च्यून ट्रेंटलीनेस लैक ऑफ स्ट्रीट फास्टनेस क्राउनिंग एंड मोनोमेंटल वर्क अगर हम बोले क्राउनिंग एंड मोनोमेंटल वर्क कौन था उनका तो वो तो ऑब्वियसली सभी को याद है कि कैंटम्परी टेल्स था और कैंटम्बरी टेल्स में ट्वेंटी फोर टेल्स थी इसमें वर्स और प्रो दोनों यूज की गई थी इसमें से जो दो प्रोज टेल थी वो कौन कौन सी थी एक तो थी आपकी चौसर की जो टेल ऑफ मेलेब्स थी और जो सेकेंड है पार्सन टेल

एंड हैरी बेली जो था वो होस्ट था उनका सो ही वॉज होस्ट ऑनली ट्वेंटी थ्री गेट देख तेईस लोगों को ही क्या मिला ट्वेंटी थ्री लोगों को ही स्टोरी बोलने का टर्न मिला था ऑल वर्स आर कम्पोज इन डेकसलिविक और हेरो कपलेट और डेकोसलिविक याट में इन्हें कम्पोज किया गया था सारी अब यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट कट तरीका आप लोगों के लिए बनाया है आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो चौसर है उसके सारे वर्क एक साथ याद हो जाएंगे ए बी सी प्रेयर लर्न फ्रॉम द बुक ऑफ डचेज एंड विजिटेड द हाउस ऑफ फेम विद ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा देयर आर पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स टोल्ड द स्टोरी ऑफ क्रिसीडा एंड कैंटेबरी टेल्स विद सम पोइम्स सो ये आपका शॉर्टकट है आप इसे दो चार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें याद हो जाएंगी चौसा के जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है सो फर्स्ट कैरेक्टर डेलीनीटर इन इंग्लिश ये कैरेक्टर डेलीनीटर इनको फर्स्ट कैरेक्टर डेलीनीटर बोल सकते हैं कैरेक्टर डेलीनीटर का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम जिसने अपने वर्क्स में कैरेक्टर्स को डाला या उनको पोर्ट्रे किया ठीक है और होपफुली कि आपने पिछले थ्री वीडियोस देख लिए होंगे अभी हम नोट्स के पार्ट्स में पहुंच चुके हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी ऑफ फोर्टीन सेंचुरी दूसरी चीज़ ये थी कि जो उनके कैरेक्टर्स थे उन्होंने पूरी सोसाइटी जो फोर्टीन सेंचुरी की थी उसको क्या किया था पोर्ट्रे किया था डेलिनेट किया था कैरेक्टर्स फ्रॉम वट ही सॉ अराउंड और उन्होंने कैरेक्टर्स कौन से चूज किए थे जो उन्होंने अपने आस पास देखना शुरू किया सो so, अगर हम कहें कि उनके कैरेक्टर्स जो थे वो दे आर रियल यूनिवर्सल लाइक शेक्सपियर यूनिवर्सल का मतलब हर जगह दिखने देखने को मिल जाएंगे आपको एर इंडिविजुअल और उनकी कही न कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी भी हमें देखने को मिलती है फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल कंडक्ट और अलग अलग प्रोफेशन से वो लोग थे अभी हम देखेंगे सारे कैरेक्टर्स में आप लोगों को बताऊंगा वन बाई वन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द्रायरस दि फ्राय दमना सेलेस्टिकल फिगर्स थे एंड रिप्रेजेंट करप्शन इन चर्च और इन्होंने रिप्रेजेंट क्या किया था उस टाइम जो चर्च में करप्शन चल रहा था फोर्टीन सेंचुरी में उसको उन्होंने क्या किया था शो किया था द मैन एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ टाइप एडवेंचरस सी सीमैन उस टाइम के जो एडवेंचरस सी सीमैन थे उनको ये रिप्रेजेंट करता है हाफ स्मगलर एंड पायरेट्स और स्मगलर थे पायरेट्स थे ये सभी क्या थे शिपमैन में आते हैं कलक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड पैशन फॉर लर्निंग और कुछ लोग ऐसे थे जो लर्निंग के लिए पैशनेट थे तो उनमें कलक ऑफ ऑक्सफोर्ड आता है एंड ग्रुप ऑफ गिल्ड मेंबर्स और कुछ चालाक लोग भी इसमें थे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड थे कंट्री स्क्वायर एंड कैनी डॉक्टर पेरिश प्रीस्ट द थीविंग मिलर एंड गुड हार्टेड वाइफ ऑफ बाथ एंड द्रायर इज द टीचर ऑफ यंग लेडीज सो दीज आर दैरक्टर्स वी सी द तो हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है यहाँ पे कि एक तो प्रोफेशनल जो था वो उनके प्रोफेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया गया दिया गया और शो किया गया है दूसरी वो लोग यूनिवर्सल थे या अपने हर जगह हमें ये लोग देखने को मिलते हैं और रियल थे इंडिविजुअलिटी हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो चौसर थे वो इसीलिए उनको फर्स्ट डेलीमिएटर इन इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है कैरेक्टर डेलीमिएटर बोला जाता है हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है अपना फोन नंबर व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं अगर आप पी नोट्स लेना चाहते हैं तो और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप आ, हमारा जो ऐप है वेबसाइट है उसे भी आप अब विजिट कर सकते हैं तो कैंटरबरी टेल्स में आप लोगों के ये सारे आपको क्या हैं ये आपके कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसी तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं हर एग्जाम में जैसे ट्वेंटी फोर टेल्स थे वर्स प्रोज ये हम पिछली वीडियो में कम, आ, कर चुके हैं इसमें से फोर क्या थी इनकंप्लीट थी श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट में वो जा रहे थे स्प्रिंग का टाइम था 1385 टू uh, 1387 के बीच में 29 पिलग्रिम्स चासर इंक्लूडिंग एंड कंप्लीट नेवर रीचेस टू ओके कंपनी नेवर रीचेस टू कैंटरबरी यहां पे इसलिए लिखा गया कि जो कंपनी थी वो जा तो रही थी शाइन ऑफ थॉमस बैकेट के यहां पे लेकिन वहां कभी पहुंचते नहीं थे ट्वेंटी थ्री पीपल गॉट टर्न फॉर टेलिंग द द्रोस टेल टेल ऑफ एंड टेल अदर डेलेबिक और हेरोइक कपलेट में लिखी गई है कैरेक्टर्स कौन कौन से थे उन्हें देख लेते हैं तो पहला है आप लोगों का नाइट नाइट क्या है हाईएस्ट इन सोशल हियर फर्स्ट स्टोरी टेलर तो जो नाइट है वो क्या है हेरारकी में अगर हम बात करें उस टाइम की जो हेरारकी थी उसमें जो फर्स्ट था वो कौन था आपका नाइट था ठीक है एंड देन अदर्स वर देयर स्क्वायर नाइट सन स्क्वायर कौन है इसमें जो नाइट का सन है उनका बेटा है योमेन योमेन कौन है सर्वेंट विद नाइट एंड प्रायरस प्रायरस इज मैडम एग्लिन एंड शी इज अ मॉडर्स लेडी मॉन्क मॉन्क इज कॉन्ट्रास्ट टू हिज रिलीजन मॉन्क होने के लिए तो उसका जो है मॉन्क है लेकिन वो और यंग गर्ल्स को सीड्यूस करता है मर्चेंट एंड एंड राइजिंग मिडिल क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राइजिंग मिडिल क्लास है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है सो ही मर्चेंट, एंड ही एन जब आप ये नोट्स अगर लेते हैं तो आप इनको थोड़ा सा जूम करके कर पढ़ सकते हैं हल्का सा, साइट सो right? so, uh, आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा सो कलर्क, सिंसियर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड सार्जेंट ही वॉज बिजी एंड सक्सेसफुल लॉयर

शिपमैन करता है तो कहीं ना कहीं क्या है कि जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो आपको एक पेज में मिल जाएंगे बाकी इतनी सारी स्टोरीज पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और हमारे पास अगर कम टाइम है तो डॉक्टर डॉक्टर इज एजुकेटेड फॉन्ड ऑफ गोल्ड एंड मेक्स मनी ड्यूरिंग प्लेग और जो प्लेग होता है उसके टाइम पे उसने काफी सारा पैसा बनाया एंड वाइफ नेम एलिसन एंड फाइव टाइम मैरिड और उसके पांच बार पांच बार उसकी मैरिड हुई थी मैरिड हैव फाइव टाइम मैरिड शी इज एंड पासन पुअर बट वर्चुअस मैन पासन जो है वो गरीब है लेकिन एक वर्चुअस मैन है प्लोमेन प्लोमेन इज ब्रदर ऑफ पार्सन ऑनेस्ट वर्कर एंड मिलर बिग स्टाउट फिजिकल अपियरेंस फोकस बाय चौसर और यहाँ पे चौसर ने मिलर है उसके फिजिकल अपियरेंस पे काफी ज्यादा फोकस किया है एंड मैंसिपल इलिटरेट वर्क

सो नेक्स्ट इज नरेटर रिकॉर्डर ऑफ ऑल इवेंट नरेटर जो है वो सारे इवेंट को क्या कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है पार्टनर पार्टनर इज ही फूल्स पीपल टू मेक मनी और पार्टनर जो है अपने आप लोगों को बेवकूफ बनाता है और पैसा बनाता है अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से अदर पॉइंट से तो इसमें मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता लेता हूँ जो आपका शॉर्टकट है वो है आपका जेबीएल म्यूजिक ठीक है कौन सुनता है वाइकलिप सुनता है सो so, आप लोगों को याद रखना है कि जो पर्टिकुलरली आप शॉर्टकट है तो जे आप लोगों को अगर नहीं पता आ, पहले तो पता होगा कि जे के जो होते हैं स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं ठीक है तो जे म्यूज़िक कौन सुनता है वाई क्लिप सुनता है तो आज मेरे पास जो है न, लिखने के लिए ये वाला पेन नहीं है साथ में सो so, आप लोगों को याद रख थोड़ा सा इसमें दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप लोगों को न, मैं बोल रहा हूँ साथ में तो जे बी एल से क्या है आप लोगों को जॉन गावर बी से आप लोगों को बार बार याद रखना है एल से लैंगलैंड याद रखना है एम से आप लोगों को जॉन मैंडवल याद रखना है एम क्या है आप लोगों का मैंडवल है और डब्ल्यू से यहाँ पे आप लोगों को वाई क्लिप दिख रहा है सो so, ये आप लोगों के टोटल क्या हैं राइटर्स हैं ये शॉर्टकट में आप लोगों को याद हो गया जेबीएल म्यूजिक जेबीएल म्यूजिक कौन सुनता है मैंडबल सुनता है सॉरी वाई क्लिप सुनता है अब बात आते हैं कि uh, इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस Uh, देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो पहला है आप लोगों को जॉन गावो तो जॉन गावो के थ्री वर्क्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेकुलम मेडिटेंटिस वॉइस ऑफ टाइम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वॉक्स क्लेमेंटिस इज सेकेंड वर्क एंड थर्ड इज कन्फेसीो अमेंटिस सो कन्फेस्यो अमेंटिस इज रिटन इन सेवन बुक्स ये सात आपकी बुक्स में लिखा गया है टेन थाउजेंड इसमें लाइन्स है आपको टेन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव याद रखने की जरूरत नहीं है इजीली आप लोग टेन थाउजेंड याद रखिए बाद में आप लोगों को टू सिक्सटी फाइव ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अगर आपको टेन याद हो गया बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी यहाँ पर आपको कन्फेस्यो अमेंटिस ओके वॉक्स क्लेमेंटिस एक एजेक कपलेट में लिखा गया वर्क है यहाँ पे कन्फेस्यो अमेंटिस जो है ये थर्टी थ्री लाइन्स में टोटल वर्क लिखा गया है वन फोर्टी वन इसमें स्टोरीज़ हैं ऑक्टोसलिबिक कपलेट में लिखा गया है एंड इविल्स बाय सेवन डेडली सेंस पैरिकलिस जो है शेक्सपियर वो आपका सनकावर के वर्क से ही क्या है हम कहें मोटिवेटेड वर्क्स उन्होंने लिखा था या कैरेक्टर उसमें डाले थे विलियम लैंगलैंड विलियम लैंगलैंड का जो इम्पोर्टेंट वर्क है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सारे कुछ राइटर्स से मैं कहूँ तो पायस डिप्लोमन है इसमें पूछा जाता है कि कितने विजन थे तो देर वर एट विजन्स उन्होंने आठ सपने देखे थे और उन्होंने इसको पूरे को लिखा है वर्क को ए बी सी टेक्स्ट में तो पूछा जाता है कि ए बी सी टेक्स्ट किसका पार्ट है तो वो है आपका पायर्स डिप्लोमिन का एलेगोरिकल पोएम है एंड मोस्ट ऑफ जो होती थी इस टाइम पीरियड तक वो एलेगोरिकल पोएम ही होती थी ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है वैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पिछला पार्ट बनाया है या जो हमारा कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूरी याद भी करवाई है या आप लोगों को बैकग्राउंड बहुत अच्छे से बताया था मैंने दी वीजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स डिप्लोमेंट ये इसका कंप्लीट नेम है इस वर्क का या अनदर नेम आप इसे कह सकते हैं इस वर्क में पायर्स डिप्लोमेंट में क्या दिखाया गया है तो दो चीज़ें हैं एक है आपका हार्डशिप्स ऑफ द पुअर पीजांट एंड अटैक्स ऑन रूल रूलिंग क्लास कलर्जी जो ये फर्स्ट वाला ये वाला है ये आपका के वी एस में पूछा गया क्वेश्चन था ऑप्शन में ठीक है अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सर गाउन एंड ग्रीन नाइट ये इन्हीं को डेडिकेट किया जाता है लेकिन ये सर गाउन क्या थे, अपने आप में क्या था ना एक राइटर भी हुए हैं इस टाइम में नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आपका है सर जॉन वाइकलिफ तो इनका फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोस, फर्स्ट इंग्लिश बाइबल इन्हीं को इन्होंने कलेक्शन ऑफ वर्सेस बना के लिखी थी 1320 से 1384 तक uh, इनका इनकी लाइफ थी लॉलार्ड मूवमेंट इन्होंने क्या किया था इसको लीड किया था लॉलार्ट मूवमेंट में एक क्वेश्चन बनता है कि इसका जो लीडर था वो कौन था तो सर जॉन परे इसके लीडर थे सर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका जॉन बार्बर जॉन बार्बर क्या थे एक स्कॉटिश पोइट थे एंड इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है आपका ब्रुस जो कि एक हेरोइक थीम पे लिखा गया ऑक्टो जो है कपलेट इसमें यूज किए गए हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपको ऑक्टो सिलिबिक कपलेट यूज़ किए हुए मिल रहे हैं यहाँ पे आपको ऑक्टो सिलिबिक कपलेट मिल रहा है तो इन केस आपको इस टाइम पीरियड पर जो कि आपको जे बी एल म्यूजिक वाइक्लेव ठीक है जे बी एल म्यूजिक वाइक्लेव ये चार पाँच वो राइटर दिखते हैं और पूछा जाता है किस में यूज हुआ है तो आपका ऑप्शन ऑक्टोसिलिबिक कपलेट ही होना चाहिए ठीक है हैरो है थीम में लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ट्वेल्व एटी सिक्स टिल 1332 तक इसको लिखा गया है उसके बाद आ जाते हैं सर जॉन मैंडल सर जॉन मैडवल जो हैं उन्होंने लिखा था द दॉइस एंड ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडल्स एंड फर्स्ट इंग्लिश प्रोस क्लासिक भी इसको इस वर्क को माना जाता है ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच जीन डी बोरगोन तो ये इन्होंने एक ट्रांसलेशन वर्क था इनका और उस टाइम पे ट्रांसलेशन वर्क काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और अगर हम बात करें कि चौसर के बाद जो भी राइटर आए थे तो वो सारे यही उसी को चौसर को ही फॉलो कर रहे थे जैसे कि वो राइटिंग कर रहे थे क्योंकि उसके अलावा आप खुद सोचिए कि चौसर के अलावा कौन था कॉपी करने के लिए तो कोई कॉपी करने के लिए नहीं था या हम कहें कि, कि किसी को फॉलो करने के लिए भी कोई और बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं थे तो चौसर एक इस्टेब्लिश uh, पॉइंट थे और हम कहें कि उनके पास में चीज़ें भी बहुत थी या फंड भी बहुत था काम करने के लिए ठीक है उन्होंने काफ़ी जो किंग्स थे उनके लिए काम किया था यहाँ पे एक शॉर्टकट आप लोगों को दिख रहा होगा एस वी सी एफ एल ई -E. तो एक्चुअल में जो जॉन गावर के वर्क हमने अभी ऊपर देखे थे स्पेकुलम मेडिटेंटिस वॉक्स क्लेमेंटिस और कन्फिसोमेंटिस इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा जैसे स्पेकुलम मेडिटेंटिस किस लैंग्वेज में लिखा गया था वॉक्स क्लेमेंटिस किससे रिलेटेड था Uh, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था और कन्फेस्योमेंटिस किससे लिखा गया था तो वो है आपका uh, ये आपका शॉर्टकट है राइट थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये शॉर्टकट एस वी सी एफ एल वी इसको इसी तरह से लिखते जाइए अपॉन में ऐसे एक लाइन खींच लिए एस एल वी यहाँ एस वी सी एंड एफ एल ई याद रख लिए तो आपको ये आप पिक्चराइजेशन भी याद रख सकते एस वी सी एस वी सी यहाँ से आपका ये लाइन है ठीक है और यहाँ से आपको एफ़ एल ई याद रखना है ठीक है तो इसे बार बार अगर आप लिखेंगे याद हो जाएगा और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे लिखिए और फट से आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छा वॉक्स क्लेमेंटिस जो है वो लैटिन से है ठीक है कन्फेसमेंटिस्ट किस से है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से लिखा गया है तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को याद करते हैं याद करवाती है चीज़ों को और धीरे धीरे आप उन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे विलियम लैंगलेंट ही इज़ दे ही इज़ नेक्स्ट टू चौसा नोन फॉर द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स डिप्लोमेंट ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं बट वहाँ पर वहां पे मैंने उसे एक तरह से माइंड मैप में लिखा था तो इसलिए नोट्स बनाने के पर्पज से इसे नीचे इस तरह से भी लिखा हुआ है पायर्स डिप्लोमेंट हैज़ थ्री आस्पेक्ट तीन चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है इट हैज़ पिक्चर ऑफ फोर्टी सेंचुरी इंग्लैंड अगर आपको फोटीन सेंचुरी इंग्लैंड देखना है कैसा है तो आप पायर्स डिप्लोमेंट पढ़ सकते हैं ठीक है या आप चौसौ का कैंटरबरी टेल्स पढ़ सकते हैं सेकेंडली इट इज़ एन एलेगरी ऑन लाइफ फायर्स डिप्लोमेंट सिम्बल ऑफ क्राइस्ट ये क्वेश्चन में मैंने जो आप लोगों को बताया था कि ये पूछा गया था कि में कि जो इसमें फायर्स डिप्लोमेंट है वो किसका सिंबल है फायर्स डिप्लोमेंट इज अ रिवाइवल ऑफ ओल्ड इंग्लिश राइमलेस मेजर और जो ओल्ड इंग्लिश का राइमलेस मेजर है उसका एक रिवाइवल था बाकी मैं सर ये जॉन गावर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिफ्टीन सेंचुरी के बारे में और उसके बाद जो चौसेरियंस हुए थे मीनस फॉलोवर ऑफ चौसे चौसर हुए थे उनके बारे में हम बात करें तो हम डिस्कशन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये आपका रिवीजन एक सीरीज़ uh, है तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली हैं वेरी गुड और जितने शॉर्टकट्स मैंने अभी तक बताए हैं उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं तो फिफ्टीन सेंचुरी का जो पीरियड है उसे एक लॉन्ग बैरन पीरियड कहा गया है बैरन पीरियड का मतलब ये था कि वहाँ पे जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी वो लगभग जीरो थी राइट सो फ्रॉम डेथ ऑफ़ चौसा टू रनेसा तो डेथ ऑफ़ चौसा हम लोग जानते हैं कि इट वाज़ 1400 और 1516 को रनेसा पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है तो इसलिए हम इसे यहाँ तक ये यह पीरियड मान लेते हैं वार ऑफ़ रोजेज़ वार ऑफ़ रोजेज़ के बारे में हमने बात की थी दर्टी यर्स स्ट्रगल एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता हूँ कि क्या आपको याद है कि वार ऑफ रोजेज़ में क्या कौन विनर हुआ था लैंकेस्टर या आपके हाउस ऑफ यॉर्क तो एक मैंने शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया था तो देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर सकते हैं वीडियो देखते देखते नोन एज दॉर ऑफ़ रोजेज़ तो जो ये थर्टी ईयर्स का स्ट्रगल था पावर के लिए और इसमें आपको एक चीज़ एक क्वेश्चन और पूछता हूँ साथ, साथ आपको क्वेश्चन पूछता हुआ चलता हूँ इससे कि आप लोगों का थोड़ा सा रिविज़न और देखते हैं कितना रिविज़न अच्छा हो पा रहा है कि जो सिम्बल ऑफ रोज़ेज उन्होंने यूज़ किए थे इसीलिए इसे वार ऑफ़ रोज़ेज़ कहा जाता है तो आप लोगों को बताना है कि जो लैंकेस्टर थे मैंने एक शॉर्टकट बताया था तो ये वाइट रोज़ इनका सिम्बल था या इनका सिंबल रेड रोज था तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है तो आप लोग लिख सकते हैं कि लैंकेस्टर का कौन सा था वाइट या रेड और इसमें विनर कौन हुआ था तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बतानी हैं कमेंट बॉक्स में प्रेस बाय कैक्सटन से फोटीन एक बार आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जो प्रेस अगर होने से ना लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट आ सकता है The introduction of printing press by Caxton was a historical event. तो ये historical event क्यों माना जाता है जब ज़्यादा books छपेंगी तो ज़्यादा literature क्या होगा spread होगा और जब ज़्यादा literature लोग spread होगा तो ज़्यादा लोग उसे पढ़ पाएंगे अब कुछ followers थे इससे related question आता है कि जो English चौसेरियन कौन थे Scottish जो थे Chaucerians कौन थे तो इनमें हम देख लेते हैं तो पहला है आप लोगों का फॉमस ऑकलेव दूसरा है आपका जॉन लिटगिट स्टीफन हाउस एंड जॉन्स जॉन स्केलेटन इसके बाद आते हैं आपके स्कॉटिश चौसेरियन तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट जो है वो है आपका जेम्स फर्स्ट इन्होंने किंग स्क्वायर लिखा था एलिगोरिकल रोमेंस ये है और ये बेस्ड जो है वो है रोमन डेला रोज अब क्योंकि ये चौसर के फॉलोवर थे इसलिए इनको क्या कहा जाता है चौसेरियन कहा जाता है तो इन्होंने जो भी वर्क जो लिखे होंगे बेस्ड लिखे होंगे तो आपको एक तरह से अगर ये पता है कि ये सिंपली आपको पता है कि है कि तो आपको जब एग्जाम में चार एग्जाम मल्टीपल चॉइस में दिए जाएंगे तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा वर्क पे ये बेस्ड होगा क्योंकि चौसठ का वर्क है तो चौसठ के वर्क अगर आपको पता है मैंने आपको जो पिछली वीडियोस अपलोड की थी उसमें एक शॉर्टकट भी बताया था कि आप अगर उसे रट लेंगे तो आपको चौसर के सारे वर्क याद हो जाएंगे तो जेम्स फर्स्ट का जो वर्क है वो है किंग स्क्वायर और किंग स्क्वायर किस वर्क पे बेस्ड था वो था आपका रोमन बेलारोस और ये एक एलेगोरिकल रोमांस है और अगर आपको मैंने पहले ही बताया है कि अभी तक फिफ्टीन सेंचुरी तक जो भी वर्क लिखे गए मोस्ट ऑफ एलेगोरिकल थे ठीक है तो अगर आपको कभी ब्लाइंड तुक्का लगाना हो अपने उसमें एग्ज़ाम में तो आप एलिगोरिकल पर लगा सकते हैं रॉबर्ट हैंड्रिसन ये लगभग जो आपका आंसर होगा वो लगभग आपका 80 परसेंट तो बिल्कुल सही होगा ये आप लोग मान के चलिए रॉबर्ट हैंड्रिसन द टेस्टमेंट ऑफ क्रिस इज़ कॉन्टीन्यूएशन ऑफ चार्स टॉलिस क्रिसडा उन्होंने जो ट्रॉलिस एंड क्रिसेट जो वर्क लिखा था वही रॉबर्ट हैंनीसन ने उसको आगे बढ़ाया था इट वॉज कंटिन्यूसिन नाउ विलियम डनबार विलियम डनबार का जो uh, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है काफ़ी बार पूछा जाता है वो है आपका डांस ऑफ सेवन डेडली सेंस अदर वर्कस आर दीसल एंड द रोज एंड गोल्डन टार्च तो ये इनके वर्क थे इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक माइंड मैप देख लें इसका तो फ़िफ्टीन सेंचुरी में आप लोग देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैटल ऑफ एगनकोर्ट जो हुआ था फिफ्टीन सेंचुरी का अगर हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका बैटल ऑफ एगनकोर्ट था जो कि हुआ था फिफ्टीन फोटीन फिफ्टी में एंड फॉल ऑफ कॉन्सटेंटिपोल ये फोर्टीन फिफ्टी थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉल ऑफ कॉन्सटेंटिपोल इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसकी वजह से वहाँ से जो राइटर्स थे वो फ्लैड हुए और ब्रिटेन की तरफ को आए सो so, इसलिए जो रडिसा था वो शुरू हुआ था वार ऑफ़ रोजेज़ वार ऑफ़ रोज़ज़ कब शुरू हुआ था 1455 फिफ्टी फ़ाइव टू फोरटीन के बीच में हुआ था एक कैक्सटन प्रेस जो हुआ था 1476 हुआ था तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को है नहीं अभी अभी तक अगर आप पूरी जो यर्स आप लोगों को याद करनी हो लगभग 20 आप लोगों को याद करनी है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसको प्रैक्टिस uh, कर लेंगे एक uh, किसी नेक्स्ट वीडियो में uh, जो भी ईयर्स हैं उनको हम बना लेंगे इंग्लिश चौसेरियन इंग्लिश चौसेरियन जिसमें जॉन लिटगेट के बारे में बात की थी हमने थॉमस ऑक्लेव के बारे में बात की थी तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है उसे देख लेते हैं इनके बारे में जो चीज़ें हैं उसे आप देख सकते हैं सो ही लिव्ड बिटवीन थर्टीन टू फोर्टीन एंड मोंगस टेल यहाँ पे फॉल्स ऑफ प्रिंसेस जो वर्क है वो क्या था एलबरेट्स मोंग्स टेल जो मोंग का टेल था स्टोरी uh, थी उसी को उसने एलेबरेट किया था जॉन लिटकेट ने द टेम्पल ऑफ ग्लास इट वॉज मॉडल्ड ऑन द हाउस ऑफ फेम बाय चौसो एंड पिलग्रामज ऑफ द लाइफ ऑफ द मैन दिस इज अनदर दर्क ट्रॉय बुक एंड दियर लंडन लिक पैनी सो जो लंडन लिक पैनी है ये इनका मास्टर पीस वर्क है दिस इज हिज़ वी कैन से मैगनमोपस एंड रीजन एंड सेंसुअलिटी हिज वर्क एंड स्टोरीज ऑफ दी इट वॉज कॉल्ड अ न्यू कैंटरबरी टेल्स और जो स्टोरी ऑफ थीव है इसी को अ न्यू टेल्स भी कहा जाता है द बुक ऑफ डचेस एंड अ कम्पलेंट ऑफ द ब्लैक नाइट एंड असम्बली ऑफ़ गॉड ये सारे वर्क किसके थे जॉन लिटगेट के थे आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है आपका लंदन लिक पैनी ये आपको याद रखना है थॉमस ऑकलिव थॉमस ऑकलिव का आप देख सकते हैं लामेल रिगेल ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है अ लेटर टू क्यूप इट इज़ एलेगरी जो कि मैंने अभी तक आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ वर्क जो है आपको एलेगरी देखने को मिलेंगे मॉडल ऑन द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के क्वेश्चन कि किस वर्क पे ये मॉडल है आप देखेंगे पुराने कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप के बी के उसमें एक दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं गवर्नर ऑफ़ प्रिंसेस गवर्नर ऑफ प्रिंसेज इज दर्क ऑन मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ चौसर चौसर की डेथ पर उन्होंने एक वर्क लिखा था गवर्नर ऑफ प्रिंसेस तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मॉर्निंग ऑफ द डेथ ऑफ चौसर जो है uh, इस इवेंट पर डेथ ऑफ चौसर पर जो आपके थॉमस ऑकलिव थे विच वर्क ही रोट सो इट वॉज गवर्नर ऑफ प्रिंसेज The complaint of Our Lady, this is another work, and the reason regiment of princes. And uh, it was the collection of rule of conduct for princes. And who was the prince? It was Henry V, and he also wrote a work, Occlef's uh, Complaint. So, these are the works. Hopefully, you have learned all these now and you have noted down. Now, let's come to this part, and uh, here is. बैलेट तो उसमें इस टाइम पीरियड पर फिफ्टीन सेंचुरी का जो पीरियड था वहाँ पे बैलेट्स का हम कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ही था सो फोक बैलेट दो तरह के बैलेट्स हैं देर आर टू काइंडस ऑफ बैलेट्स सो फर्स्ट वन इज़ फोक बैलेट सो फोक बैलेट इज साइन ऑफ ग्रुप कॉम्पोजिशन सो इट वॉज़ फॉर ग्रुप कॉम्पोजिशन एंड फॉर इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन मिन्स्ट्र बैलेट्स वेड Establishment of the printing press in 1476 by Caxton contributed much to the development and popularity of English prose. So jo English prose Caxton printing press ka bahut impact. Pada. So what was the influence we can now just imagine? Uh, before Caxton print, uh, printing press, there were no printing press and uh, people had to write down uh, you know, their manuscript. तो उन्हें खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें लिखनी होती थी नाउ देयर वर प्रिंटिंग प्रेस एंड इट वॉज ईजी टू स्प्रेड लिटरेचर एंड देन देर वर लॉट्स ऑफ रीडर्स ओवर देयर तो बहुत सारे रीडर्स वहाँ पर हो चुके थे रेगिनल्ड uh, पिकॉक जो हैं रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लैंग ऑफ द कलर्जी एंड उन्होंने लिखा था बुक ऑफ फेथ सर जॉन फोर्टिस्क उसके बाद एक राइटर थे एंड द देस्टर्न लेटर पेस्टर्न लेटर उस टाइम को जानने का एक सोर्स है एंड इट वाज कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ पेस्टन फैमिली पेस्टन फैमिली के जो लेटर्स लिखे गए थे उनका एक कलेक्शन है और उसी को हम पेस्टन लेटर्स का कलेक्शन जो है उससे हम जानते हैं कि जो फिफ्टीन सेंचुरी थी और वो टाइम पीरियड था वो कैसा था कैक्सटन द रेसल ऑफ़ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय एंड द गेम ऑफ एंड प्ले प्ले ऑफ चेस सो दीज टू आर ट्रांसलेशन वर्क्स बाय कैक्सटन सर थामस मैलरी ना लेट्स सी दिस वन सो सर थामस मैलरी फोर्टीन सेवेंटी वन और इनका एक वर्क जो था वो आपका आर्सर एंड राउंड टेबल ओके सॉरी इट वॉज मोटेडी ऑथर मोटेडी ऑथर वॉज रिलेटेड टू तो आर्सर एंड राउंड टेबल जो आर्सर हैं उनके आ, उनकी आपने मूवीज वगैरह भी देखी होगी हॉलीवुड की तो वो एक आ, नाइट थे and this work was completed in the reign of King Edward फोर्थ in 1470 1470 mein se में kiya gaya किया गया था मॉडल ऑथर को एंड uh, अगर आप UGC net नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्स ले सकते हमारा उसमें आपको ये सारे वर्क जितने हैं डिटेल्ड ऑथर्स आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड वर्क विथ डिटेल यू नो थीम्स एंड कैरेक्टर्स एंड दोरी ये सारे वर्क आपको उसमें मिल जाएंगे सा का जो मीनिंग है वो है आपका इंटेलेक्चुअल रिबर्थ इंटेलेक्चुअल रिबर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं ब्रिटेन की बात कर रहे हैं या ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं कि उसमें इंटेलेक्चुअल रिबर्थ कैसे आया यही रिनेसा वर्ल्ड का मीनिंग है द डिस्कवरी ऑफ मैन काइंड ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ दर्ल्ड तो यहाँ पर हम बात करें कि जो मैनकाइंड ने खुद की डिस्कवरी की और वर्ल्ड की डिस्कवरी की और ये फिर से आप लोग थोड़ा सा मतलब दिमाग में आप बिठा के चलिए कि ब्रिटेन की बातें हो रही है और ब्रिटेन में जो रिबर्थ की बात हो रही है वो इंग्लिश लिटरेचर में फिर हम उसी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं तो जो ब्रिटेन ने खुद को किया डिस्कवर किया वर्ल्ड को डिस्कवर किया वो सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिनीसा वॉज द रिजल्ट ऑफ थ्री इम्पलसेज तीन जो इम्पल्सिस थी वो आ, कैसे वो इम्पोर्टेंट इम्पल्सेज कौन कौन सी थी या कौन कौन से रीज़न थे जिससे कि रूनेसा आया तो उसमें एक चीज़ ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेट वॉइज़ ऑफ डिस्कवरी तो उस टाइम पे क्या हुई थी बहुत सारी डिस्कवरीज़ हुई थी लोग समुद्री यात्राएं शुरू हुई थी और एक जो हिस्टोरिकल इवेंट था वो था आपका कि जो टर्कस थे उन्होंने क्या कर लिया था कॉन्स्टेंटीपोल को कैप्चर कर लिया था 1453 में तो जो अगर हम बात करें यह, यहाँ से यूरोप तो यूरोप क्या हो गया था बाकी वर्ल्ड से कट गया था नीचे आप लोग देखेंगे कि ये आपका अफ्रीका था और जो पूरा घूम के उन्हें आना पड़ रहा था तो पूरा कहाँ था ये पूरे समुद्री यात्राओं से होते हुए आना था उनको तो जो वॉइज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी उस टाइम पे तो एक बड़ा इम्पैक्ट था कहीं ना कहीं वॉइस का किस चीज़ पर रूनेसा पे या हम बात करें कि रिबर्थ ऑफ नॉलेज पे क्योंकि हर जगह नई नई तरह की खोजें हो रही थी और नई नई तरह की डिस्कवरीज़ हो रही थी तो अब चलते हैं आगे यहाँ पर हम बात करेंगे रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग की कि जो क्लासिकल लर्निंग थी उसका भी रिवाइवल हो रहा था क्लासिकल लर्निंग के बाद बर्थ ऑफ बर्थ प्लेस इटली और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बर्थ uh, प्लेस है रिनेसा का वो कौन माना जाता है तो वो है आपका इटली रिनेसा वाज द रिजल्ट ऑफ थ्री इंपल्सेस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि रिनेसा जो है तीन जो इंपल्सेस थी जो इम्पोर्टेंट फोर्सेस थी वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे कि रिनेसा शुरुआत हुई या स्टार्टिंग ऑफ रिनेसा हुई द इंस्परेशन डिराइवड फ्राम द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग जो क्लासिकल लर्निंग थी वो ब्रिटेन तक कहीं ना कहीं पहुँच रही थी यूरोप तक कहीं ना कहीं कही पहुँच रही थी उसकी वजह से एक इंस्परेशन मिला द स्ट्रिंग ऑफ मैंस इमेजिनेशन बाई ग्रेट वॉइज ऑफ डिस्कवरीज जब लोग बहुत सारी कंट्रीज में जाना शुरू हुए वॉइज के थ्रू तो कहीं ना कहीं उससे जो इमेजिनेशन थी वो स्टर हुई और उस इमेजिनेशन से काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई द स् ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन विच बिगेन इन जर्मनी और जो स्प्रिट ऑफ uh, हम बात करें कि जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हो रही थी जो जर्मनी से शुरू हुई थी वो वो स्प्रिट भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन तक पहुंच चुकी थी और ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही थी उस टाइम पे कुछ चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश लिटरेचर में आपको तो दो तीन चीज़ें सोच के चलनी है एक है आपका कि आपको उसमें रटना पड़ेगा ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मगप करके चलनी चलनी चाहिए और शुरुआत में तो जितना मगअप हो जाए उतना बढ़िया दूसरी चीजें दूसरी चीज़ ये है कि आपको जितनी ज़्यादा आप रीडिंग कर पाएं उतना बेटर है हर दिन कम से कम एक या दो वर्क डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर डिटेल में नहीं होती तो डिटेल्स समरी ज़रूर पढ़िए और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं अपने एग्जाम्स के लिए टी जी टी पी जी टी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ मान के चलिए कि टी जी सिर्फ रट के ही निकाला जाता है समझ के नहीं निकलेगा मगर आप समझने के लिए जाएंगे तो आप इंग्लिश लिटरेचर में आ, समझते ही रह जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट्स को आप आ, बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे लेकिन टी जी टी एग्ज़ाम्स का नहीं निकाल पाएंगे ठीक है तो वहाँ पे आप लोग इस तरह के शॉर्ट नोट्स को खूब मगप कीजिए ये आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स आपके बढ़ा लेते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एनियट ये आपका गाउन डगलस का है ड्रीम ऑफ रूड ये सिनेल्फ से रिलेटेड है डांसिस ऑफ सेवन सेवन डेडली सीन्स विलियम डनबार पैराफ्रेजिस कैडमिन कन्फेस्यो अमेंटिस जॉन गाव इसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट भी बताया था एंड फॉल्स ऑफ प्रिंस लिटगेट एंड पायर्स डिप्लोमेंट लैंगलैंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जियोफ्रे ऑफ मनमत इंग्लिश वर्जन ऑफ बाइबल ये जॉन वाइकलिप का है एंड ब्रुट ब्रुट जो है वो लेमेन का है तो इस तरह के जो शॉर्ट नोट्स हैं इन्हें आप लोग आ, बना सकते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स और फ्लैश कार्ड से आप बहुत अच्छे से इसे याद भी कर सकते हैं अब बात करते हैं कि रिनेसा पीरियड में जो पोइट्री थी उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है वो है आपका सर थॉमस वाइट फिफ्टीन जीरो थ्री टू फोर्टी टू एंड हैंनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ये अर्ल थे सरे इज़ अ प्लेस सो फिफ्टीन सिक्सटीन टू फोर्टी सेवन एंड दे बूथ वर इटालियन ट्रैवलर पोइट्स दोनों के दोनों ट्रैवलर थे जैसे कि मैंने कहा कि वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंस था उस टाइम पर तो दोनों के दोनों इटली से आए थे दोनों इटालियन ट्रे ट्रैवलर थे द बुक दैट कंटेंस देअर पोएम्स सॉन्ग्स एंड सोनेट्स उसको हम कहते हैं टोटल्स मिसलेनी ये पब्लिश हुई थी आपकी फिफ्टीन फिफ्टी सेवन में अब आ जाते हैं नीचे वाइट इंट्रोड्यूसड सोनेट पेट्राक तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ट ने कौन सा फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था वो था आपका पेट्राकन फॉर्म एंड पेट्राकन फॉर्म में बेसिकली ऑक्टिव और सेस्टेट होते हैं ऑक्टिव एट लाइन्स का स्टेंजा होता है सेस्टेट सिक्स लाइन्स का स्टेंजा होता है और इसमें आपकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी बी ए बी बी ए और लास्ट का जो सेस्टेट होता है थ्री थ्री लाइन का तो वो होता है सी डी ई सी डी ई ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इटालियन ट्रेजर रैमा एंड दटोवा रिमा तो अगर पूछा जाए कि इटेलियन ट्रेजर रैमा और ऑटोवा रैमा किसने इंट्रोड्यूस किया था तो वो भी सेम पर्सन था वाइट उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था हैंनरी हावर्ड अल ऑफ सरे फिफ्टीन सेवनटीन टू फिफ्टीन फोर्टी सेवन ट्रांसलेशन ऑफ टू बुक्स उन्होंने दो बुक का ट्रांसलेशन किया था एनी uh, एट की जो टू बुक्स थी उसे उन्होंने ट्रांसलेट किया था सरे वॉज द फर्स्ट पॉइंट टू यूज ब्लैंक वर्ड्स और अगर ये पूछा जाए कि ब्लैंक वर्ड्स का फर्स्ट यूज़ किसने किया था इट वॉज़ सरे तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि कपलेट का, का सबसे पहले यूज़ किसने किया था अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्योंकि हम इसे पिछली वीडियोज़ में डिस्कशन कर चुके हैं थॉमस सैकविल थॉमस सैकवल फिफ्टीन थर्टी सिक्स टू सिक्सटीन जीरो एट द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट कंपाइलिशन ऑफ सीरीज ऑफ स्टोरीज उन्होंने बनाया था और एक लिखा था उन्होंने द इंडक्शन ये एलिगोरिकल फॉर्म थी ऑफ रोमन रोज रिटन इन चौसेरियन स्टेंजा तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राइट पोइट्री में याद रखने हैं थॉमस वाइट हो गया और हैंनरी हारवर्ड हो गए और थॉमस सेक्विल हो गए तो चलते हैं आगे अब आ जाते हैं प्रोज ऑफ़ दस इसमें जो प्रोज थी उसके बारे में बात करते हैं तो डेसिडेरियस इरासमिस नोन डच इस्कॉलर तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे डच हॉलेंड uh, से आने वाले थे और हिज़ वर्क प्रेज ऑफ फॉली रिटन इन लैटिन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश तो इन्होंने किस में लिखा था लेटिन में एक वर्क लिखा था खुद आपका पेज ऑफ फॉली सर थॉमस मोर यूट्यूब क्या इनका बहुत फेमस वर्क है फ़िफ्टीन सिक्सटीन में ये पब्लिश हुआ था बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है इट वॉज़ ऑल्सो रिटन इन लेटिन एंड 1551 ट्रांसलेटेड बाय राल्फ रॉबिनसन तो राल्फ रॉबिनसन ने इसको ट्रांसलेट किया था 1551 में लिखा कब गया था 1516 में जबकि ट्रांसलेटेड बाय राल्फ रॉबिनसन इन फ़िफ्टीन इट इज़ ट्रू पलाक टू रेनेसा इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ द मॉडर्न सोशलिज्म तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो इसे ट्रू पलाक टू रेनेसा कहा गया है दूसरा इसे मॉडर्न सोशलिज्म का एक फर्स्ट uh, मॉन्यूमेंट भी कहा गया है रॉजर एसचम ट्यूटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द स्कूल ऑफ़ शूटिंग इन फिफ्टीन एंड द स्कूल मास्टर फिफ्टीन द फर्स्ट इंग्लिश स्टाइलिस्ट जो रॉजर एसचम है इन्हें फ़र्स्ट इंग्लिश स्टाइलिस्ट कहा जाता है रिफॉर्मर की बात करें तो एक uh, इस पीरियड में आपके रिफॉर्मर हुए जॉन uh, टिंडल 1484 एटी फोर टू फिफ्टीन थर्टी सिक्स द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल एंड द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर एंड ट्रेस ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टमेंट और उन्होंने न्यू टेस्टमेंट को ट्रांसलेशन भी किया था दिस फॉम द बेसिस ऑफ द ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल और जो बाद में किंग uh, जॉन वाली ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल बनी थी उसका बेसिस भी इसी को माना गया था ड्रामा की बात करें इस पीरियड में दिस पीरियड मार्क्स द रियल बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा और यहाँ से ही जो हम बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट कॉमेडी है रॉल फ्रॉएस्टर डॉस्ट्रा वो भी इसी पीरियड में रोनेसा में शुरू हुई थी एंड इट इज़ अ प्ले इन फ़ाइव एक्ट तो जो राल फ्रॉएस्टर डॉस्ट्रा फिफ्टीन फिफ्टी थ्री में अब देखिए माइनस टू करेंगे तो फिफ़्टी वन हो जाएगा ओके okay? तो अभी हमने देखा था कि इसमें ट्रांसलेशन हुआ था यूटोपिया का तो इस तरह से आप कहने कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को तो अ प्ले इन फ़ाइव एक्ट्स और ये फाइव एक्ट्स में एक प्ले है ग्रामर गर्ट इस नीडल फिफ्टीन सेवेंटी फाइव में या अनोन राइटर इसका राइटर जो है वो अन नोन है फेरक्स एंड पर्कस बेटर नोन एज कावडक इसे कावेडक के नाम से हम लोग जानते हैं फिफ्टीन सिक्सटी टू सो दोनों के दोनों देखिए ये दोनों अगर आप देखेंगे दोनों के दोनों ईयर्स आप देखेंगे तो नियर बाय है ये फिफ्टी थ्री है ये सिक्सटी टू है ठीक है तो आपको प्लस इलेवन भी अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा दोनों की ना जो पब्लिकेशन ईयर्स हैं वो आप लोग याद रखिए ठीक है माइनस वन कर देंगे तो ये देखिए फिफ्टी वन आ गया आपका तो इसी तरह से अगर एक ईज़ के आप पूरे याद करना चाहते हैं सारी चीज़ें तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा या फिफ्टी थ्री सिक्सटी टू एंड सेवेंटी फाइव इस तरह से फिफ्टी वन इस तरह से सिर्फ लास्ट के याद भी रखेंगे तो आपको सारी जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं वो याद हो जाएंगे फेरिक्स एंड पॉरिक्स बेटर नोन एज गार्डनिकिफ्टीन सिक्सटी टू थामस नॉटन एंड थॉमस सेकवल ने इसे वी कैन से इट वॉज द ज्वाइंट वेंचर उन दोनों ने ये साथ में मिलकर लिखा था फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स वॉज यूज फॉर ड्रोमेटिक पर्पज़ और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्लैंक वर्स जो है फ़र्स्ट टाइम ड्रोमेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी एंड डायरेक्ट फॉरनर किट्स स्पेनिश ट्रेजडी और इस्पेनिश ट्रेजिडी इसके जस्ट बाद लिखी गई है लेकिन इसको क्या किया जाता है फेरेक्स एंड पॉरेक्स को या गार्बड को जो है उसको फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी माना जाता है एज ऑफ शेक्सपियर इट इज आल्सो कॉल्ड जो एज ऑफ शेक्सपियर है इट वाज बिटवीन 1558 टू 1625. 1558 क्यों लिया जाता है इट वाज टाइम ऑफ एक्सीशन ऑफ़ एलिजाबेथ शी एक्सेस टू थ्रोन एंड 1625 डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट तो so फिफ्टी आपका एलिजबैथ से रिलेटेड ईयर uh, है जब उन्हें अपनी राजगद्दी मिली थी एंड 25 इट वाज डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मी इन 1588 ये भी काफ़ी बार ये ईयर पूछा जाता है फिफ्टीन ऐटी एंड द रिफॉर्मेशन एज अ फैक्ट नाउ सम क्वेश्चन आर फ्रॉम एलिजाबैथ सो क्वीन एलिजाबेथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि uh, जो स्पेंसर की ग्लोरियाना है कैरेक्टर ग्लोरियाना है वो किसको रिप्रेजेंट करती है या करता है तो वो है आपका एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है रालिफ सिंथिया जो रालिफ के सिंथिया कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है एलिजाबेथ को एंड शेक्सपियर ने यूज़ किया है फेयर वेस्टल थ्रोन बाय द वेस्ट तो ये अगर बात करें कि किसको रिप्रेजेंट करता है या किसके लिए कहा गया है टू हुम शेक्सपियर Uh, introduced fair vestal throne by the west so it was Elizabeth every breeze was dusty with the pollen of Greece Rome and Italy so it was said about age of Shakespeare now let's come to the other topics some short notes Marlowe's Tambourine was the most characteristic vent of the is uh, most characteristic vent तो वो था आपका मालोस टैम्बलिन एंड मैके प्रिंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग द रुनिशा और मैके का जो वर्क लिखा गया था प्रिंस वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है यूफियस बाय लिली एक्सरसाइज ऑफ न्यू काइंड ऑफ प्रोस और क्योंकि जो यूफियस यूफिमिज्म uh, जो टॉपिक uh, एक टर्म इंग्लिश लिटरेचर में आया था वो इसी वर्क की वजह से आया था आर्केडिया बाय सिडनी एंड फेरी क्वीन ये दोनों के दोनों वर्क uh, जो थे फिक्शन इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एंड आइडियल टू मॉरल एक्सेलेंस तो दोनों के दोनों कहीं कही ना कहीं इस टारगेट से लिखे गए थे या उनका जो एक हम कहें कि एक मॉरल लेसन देने के लिए लिखे गए वर्क थे सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन इन्फ्लुएंस ऑफ वॉइजर्स अगर हम कहें कि जो वॉयजर्स का इन्फ्लुएंस हमें किस किस वर्क पे देखने को मिलता है इट वॉज डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो एंड कॉलरिस देंशन मरीना दे वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाई परचेज पिलग्रम्स जो परचेज था उनका वर्क था पिलग्रमेज उससे इन्फ्लुएंस तो थे ही लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन कौन से वर्क विच वर्क आर यू नो फॉलोइंग वर्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाई वॉइजर्स इन द टाइम ऑफ़ रिनेसा रोनीसा के टाइम में अगर वॉइजर्स से इन्फ्लुएंस्ड वर्क की बात करें तो पहला है आपका डेफोज डेफो uh, का जो वर्क है रॉबिसन क्रूसो एंड सेकेंड है आपका कॉलरेज का एंशेंट मरीना उस टाइम का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कॉलरेज कॉलरेज के एनशेंट मरीनर पर इंफ्लुएंस देखने को हमें मिलता है द इंफ्लुएंस ऑफ द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग तो क्ला, जो रिवाइवल हो रहा था क्लासिकल लर्निंग का उसका इन्फ्लुएंस भी हमें वर्क पे देखने को मिलता है सो स्पेंसर से हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी और जो स्पेंसर ने लिखा था हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी प्लेटो का रिपब्लिक हो गया मोर्स यूटोपिया एंड बेकन्स एटलांटिस नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन जॉन कैलविन द थियोलॉजी ऑफ प्योर्टन्स वॉज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द फिलासफी ऑफ द जॉन कैलविन नोन एज कैल्विनिज्म तो जो कैल्विनिज्म है वो जॉन कैलविन की ही थियोलॉजी से निकल कर आता है नाउ लेट्स कम टू द फिलिप सिडनी सर फिलिप सिडनी फिफ्टीन फिफ्टी फोर टू फिफ्टीन एटी सिक्स इनके कुछ वर्क हैं जिसके लिए सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं ए क्यूब ए क्यूब आप लोगों को याद दिलाएगा कि उनके तीनों वर्क का जो नाम है वो ए से स्टार्ट होता है सो फर्स्ट इज आर्केडिया सो आर्कडिया गॉट पब्लिश इन 1590 एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री इट गॉट पब्लिश इन 1580 एटी एंड स्टेला फिफ्टीन थ्री यहाँ पर एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के बारे में एक शॉर्ट नोट है इट वॉज कलेक्शन ऑफ सानट एंड सिडनी लव फॉर पेनोलॉफ सिस्टर ऑफ ऑल ऑफ सेक्स सो इसमें जो स्टेला है वो कौन है आपकी पेनोलॉप है और जो एस्टोफल है वो कौन है आपका सिडनी तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एस्टोफल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है तो वो सिडनी है एस्टेला जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका पेनोलॉप नाव लेट्स कम टू द एडमन एस्पेंस एंड अबाउट हिज वर्क सो फिफ्टीन फिफ्टी टू नाइनटी नाइन तक उनका लाइफ स्मान था एंड ग्रेटेस्ट नन ड्रामेटिक पोइट उस टाइम के जो इन्होंने ज़्यादातर कौन सी क्या चीज़ें लिखी हैं ये पोइट्री की ओर हम कहें कि इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी थी एंड फर्स्ट वर्क वॉज द शैफर्ड कैलेंडर विच गॉट पब्लिश इन फिफ्टीन सेवेंटी नाइन एंड इंस्पायर्ड बाय थियोक्राइटिस एंड वर्जिल्स बीको लिखा तो इनको जो इंस्पिरेशन मिला था वो कहाँ से मिला थियोक्रेटिस एंड वर्जिल की जो वर्क है ब्यूकोलिका से तो इससे आप लोगों को एक अगर बार बार आप रिपीटिशन में पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जैसे कि ब्यूकोलिका अगर वर्क आता है तो बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा मेरे हिसाब से और अगर हम इस तरह से इनको बार बार रिपीटिशन करते हैं तो हमें याद रहेगा कि वर्जिल का ही वर्क ब्यूकोलिका है मिसलिनियस टेल फिफ्टीन से फिफ्टीन नाइन्टी वन मदर हबार टेल अ रिमार्केबल सटाया ये एक तरह का सटाया है एंड कंप्लेन कलेक्शन ऑफ पोइम्स रियस ऑफ टाइम्स द टीयर्स ऑफ म्यूजिक म्यूजिस सो ये इनके कलेक्शन ऑफ पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं कॉलेंस क्लाउड फिफ्टीन नाइनटी फाइव में एंड ऑटोबायोग्राफिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम सो कॉलिस् क्लाउड जो फिफ्टीन नाइन्टी फाइव में इन्होंने लिखा वो एक ऑटोबायोग्रेफिकल पोम है शेफर्ड हु इज़ विजिटेड बाई दी अनदर शेफर्ड सर वॉल्टर रालिव तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जो नेक्स्ट शैफर्ड था जो कि जो मिलने आया था वो किसको रिप्रजेंट करता था तो वो थे आपके सर वॉल्टर रालिव एमोरती एमोरती फिफ्टीन नाइन्टी फाइव एटी एट पेट्राकन सोनेट्स आर देर जो आ, लिखे गए थे उसमें जो कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है 88 एट पेट्राकन सोनेट्स समव यू विल फाइंड 89 नाइन एज वेल कहीं कहीं आपको इसमें 89 भी मिलता है सो ही डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेस ऑफ इज लव फॉर एल्जैथ वॉयले और यहाँ पर जो स्पेंसर है वो किसके लिए लिख रहे हैं वो है आपका एलजबैथ वॉयले के लिए लिख रहे हैं है है. उनको रिप्रजेंट कर रहे हैं सोनेट्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री क्वाट्रंस और जो सोनेट्स हैं उन्हें थ्री क्वार्ट्रंस में यूज़ किया गया है यूज़ uh, हुआ है जो राइम स्कीम है वो है आपका ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी कॉलरेज कॉल्ड इट मेडनलीनेस और उन्होंने इसको मेडनलिनस भी कहा है किसने कॉलरेज ने एपिथेलिमियन जो वर्क है वो आपका फिफ्टीन नाइन्टी फाइव में इसका पब्लिकेशन हुआ था नोबलेस्ट वेडिंग हिम एंड फॉर द मैरिज ऑफ एलिजेथ बॉयले तो उन्होंने किसके लिए इसको लिखा था एलिजेथ बॉयले के लिए लिखा था एपी थैलेमियन प्रो थैलेमियन फिफ्टीन नाइन्टी फाइव में ये ये पब्लिश हुआ था अनदर मैरिज हिम इट वॉज़ अ मैरिज हिम अगेन एस्टोफल जो नाइन्टी सिक्स में पब्लिश हुआ था एलेजी ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी इन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ पर यह एलेजी लिखी थी अ प्रोस्ट्रिटी नेम्ब द व्यू ऑफ आयरलैंड तो उन्होंने एक प्रोस्ट्रिटी भी लिखा था जिसका नाम था द व्यू ऑफ आईलैंड फेरी क्वीन वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क बाय स्पेंसर एंड इट वॉज रिटर्न इन इंस्टॉलमेंट्स ये जो वर्क है फेरी क्वीन है ये आपका लिखा गया था इंस्टॉलमेंट्स में इसे एक साथ नहीं लिखा गया था होपफुली यू हैव वॉच्ड ऑल अदर वीडियोस प्रीवियस अपलोड्स लेट मी टेल यू इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल वी हैव अपलोडेड लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड इन दिस सीरीज़ वी हैव ऑलरेडी अपलोड एट वीडियोज़ तो आप लोगों ने वो वीडियोज़ होपली देख ली होंगी तो चलते हैं अगले ए, अगले सेक्शन में यहाँ पर फर्स्ट थ्री बुक वो बुक्स वो पब्लिश इन बिटवीन फिफ्टीन एटी नाइन टू नाइन्टी जो फर्स्ट थ्री लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपकी एटी नाइन टू नाइन्टी के बीच में and second three were li written in 1596 and book sixth was published in it was in uh, 1609 uh, so we will discuss the details as well but here are some short notes as well so whole book uh, was in 12 segments so jo plan kia gaya tha, wo 12 segment uh, segment mein gaya tha. six were in lifetime and six after death so prince arthur central character सो so, जो प्रिंस कैरे प्रिंस आर्थर है और इसमें ना जो है ये दोनों के दोनों इसके सेंट्रल कैरेक्टर्स से हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि फेरी क्वीन जो है वो किसने लिखी है हु रोट uh, फेरी क्वीन सो हु इज़ द राइटर ऑफ फेरी क्वीन सो इट वॉज ही वॉज स्पेंसर एंड हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर सो यू कैन सी द्री वर देयर And twelve segments were there. How many segments were there? So 12 segments were there. Six were uh, in lifetime and six after death. Or depend karke work. So who are the central character of the work? Prince Arthur and Gloriana. First books were published. So when were first three books were published? So it was 1589 to 90. And second secondly got published in 1596 and book sixth got published in uh, 1609. Here 12 knights represent different 12 virtues. yahan pe jo 12 knight hain wo 12 virtues ko represent करते हैं इस work में. So इससे related अगर कोई question पूछा जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. That's why you need to remember all these. बुक फर्स्ट लीजेंड ऑफ़ नाइट ऑफ रेड क्रॉस तो रेड क्रॉस जो लीजेंड ऑफ़ नाइट ऑफ रेड क्रॉस है वो किस को रिप्रजेंट करता है वो रिप्रजेंट करता है आपका हॉलीनेस को द लीजेंड ऑफ़ सर गोयान सो सर गोयान जो हैं वो टेम्परेंस को रिप्रजेंट करते हैं सो दीज़ आर वर्च्यूज़ हेर यू कैन सी दीज आर वर्चूज़ एंड हेर यू कैन सी दीज आर नाइट्स द लीजेंड ऑफ ब्रिट मेट मोर्टिस सो ब्रिट मोर्टिस जो है वो चेस्टटी को रिप्रजेंट करते हैं नाउ नेक्स्ट वन इज द लेजेंड ऑफ कैम्बल एंड ट्रायमंड कैम्बल एंड ट्रायमंड ये फ्रेंडशिप जो वर्च्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं द लीजेंड ऑफ आर्टिकल सो लेजेंड ऑफ आर्टिकल है वो है आपका जस्टिस द लीजेंड ऑफ सर कैलिडोर सो ही रिप्रजेंट्स कर्ट सी द होल वर्क इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टेंजा सो स्पेंसेरियन स्टेंजा किस को कहा जाता है वह है आपका रैम विद रैम स्कीम ए बी ए बी बी सी डी सी सी और जो लास्ट लाइन होती है वो होती है आपकी अलेक्जेंड्राइन तो इसमें लास्ट लाइन को अलेगजेंड्राइन कहा जाता है और अलेक्जेंड्राइन ऐसी लाइन होती है जिसमें सिक्स आइम्बिक फीट यूज़ होते हैं सोन so, सी वर्च्यूज़ वर्चुज़ के नाम आप लोग याद रख सकते हैं हॉलीनेस टेम्परेंस चेस्टटी फ्रेंडशिप जस्टिस एंड कर्टसी एंड देन यू कैन मेक अ सीरीज ऑफ दिस लाइक रेड क्रॉस गियन एंड ब्रिट मॉर्टिस कैमल एंड ट्रायमन आर्टिकल एंड कैलिडोर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट द फेरी क्वीन रिलीजियस एलिगरी प्लस एथिकल एलिगरी तो अगर हम बोलें कि Uh, किस कैटेगरी में फेरी क्वीन आती है सो फेरी क्वीन जो वर्क है स्पेंसर का वो आता है आपका रिलीजियस एलेगरी तो है ही साथ साथ में इथिकल एलेगरी की कैटेगरी में भी आता है सो बेसिकली इट इज़ एन एलेगरी एंड रेड क्रॉस नाइट तो यहाँ पर जो है आ, अलग अलग जो कैरेक्टर हैं उन्होंने अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है सो so, इसमें आप लोगों का है रेड क्रॉस नाइट वो आपका खुद सिडनी है अना जो इसमें है वो है आपका रिलीजियस और प्रोटेस्टेंट चर्च को रिप्रेजेंट करती है सो दिस विल बी द क्वेश्चन ओके सो विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट प्रोटेस्टेंट चर्च और रिलीजियस सेक्ट सो शी वॉज अना ना डुएसा डुसा मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट कैथोलिसिज्म तो ये जो डुएसा है वो कैथोलिसिज्म Uh, को रिप्रेजेंट करती है अगर आपको नहीं पता तो क्रिश्चियन में दो मेजर सेक्ट हैं और दो मेजर पार्ट उसके होते हैं पहला है कैथोलिज्म कैथोलिसिज्म कैथोलिसिजम ज़्यादा पुराना है एंड प्रोटेस्टेंट जो हैं वो बाद में आए वो कैथोलिक्स के अगेंस्ट हैं सो so ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे उनके थाट्स में मर्सीला मर्सीला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है सो शी वॉज क्वीन एलिजाबेथ बॉर्बन बॉर्बन जो है वो हैंनरी फोर्थ ऑफ फ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है टीमियस टीमियस जो है वो रालिफ को रिप्रेजेंट करता है एंड ब्लैंड मोर एंड पैरिडॉल ये अर्ल ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट मोलेन को क्या करता है रिप्रेजेंट करते हैं रिनेसा इन स्पेंसर्स पोइट्री अगर हम बात करें कि स्पेंसर की जो पोइट्री है उसमें कौन कौन सी आ, चीज़ें विनेसा को दर्शाती हैं या बर्थ ऑफ नॉलेज को रिप्रजेंट करती हैं लेट मी टेल यू कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनका एक शॉर्टकट भी आ, दूंगा सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन इनका पूरा आपको एक शॉर्टकट जो मैंने बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो पहली चीज़ है इसमें स्प्रिट ऑफ एडवेंचर एंड लव फॉर एक्टिव लाइफ तो ये हमने जब रूनीसा का इंट्रोडक्शन देखा था दैट टाइम वी ऑल्सो हैव गॉन थ्रू दिस यू नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिनेसा पार्ट रूनेसा इज क्या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्प्रिट ऑफ एडवेंचर है ओके okay. तो ये हमें किस में दिखाई देता है फेरी क्वीन में दिखाई देता है कोई वर्क क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एज का वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दैट एज वेरी वेल उस एज को बहुत अच्छे से वो क्या करता है रिप्रेजेंट करता है सेंसुअसनेस एंड लव ऑफ ब्यूटी दो एक दूसरी चीज़ है सेंसुएसनेस एंड लव फॉर ब्यूटी एंड थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल लर्निंग का क्या है इन्फ्लुंस हमें सारी चीज़ों में दिखाई दे रहा है अगर हम ये भी देखें किंग्लोरियाना को भी देखें तो ये आपका क्लासिकल लर्निंग से ही रिप्रजेंट करता है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हमें क्लासिकल लर्निंग की वजह से देखने को मिलती है कहने का मतलब ये है कि जो स्पेंसर है ही हैज़ टेकन द एग्जाम्पल्स फ्रॉम क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल वर्क सो होपफुली कि आप लोगों को जो फेरी क्वीन है उसके बारे में मोस्ट ऑफ चीज़ें पता चल गई होंगी और इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं आपके वर्क्स में सो uh, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर मालो एज यू नो वी आर डूइंग रुनेसा पीरियड रुनेसा पीरियड के नोट्स हम लोग देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्राइस्टोफा मालो क्राइस्टोफा मालो लिवड बिटवीन 1564 टू 1594 एंड हिज़ वन ऑफ द फेमस वर्क एज हीरो एंड लियडा एंड इट रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज डेथ बिकॉज ही डायली सो इट रिमेन इनकम्प्लीट ये इनकम्प्लीट वर्क है उनका एंड कम्प्लीटेड बाय चैपमैन एंड ही ऑल्सो कम्प्लीटेड इलियड इन सिक्सटीन एलेवन एंड ऑडिसी इन सिक्सटीन थर्टीन द स्टोरी इज़ टेकन फ्राम म्यूसो फिफ्टी सेंचुरी ग्रमेरियन तो जो ये इसकी स्टोरी है वो मिसो की है और ये फिफ्टी सेंचुरी ग्रमेरियन की स्टोरी है अब आ जाते हैं जो सबसे हम कहें रनेसा पीरियड के टॉप राइटर हैं उनमें विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट हम पोजीशन रख सकते हैं तो उनके बारे में देखते हैं और पहले हम उनकी जो पोइट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सो so आप लोग अगर टॉप राइटर्स को याद रखना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली आप याद रख सकते हैं एस 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 तो आपका शेक्सपियर स्पेंसर एंड सिडनी तीनों आप लोगों को याद रहेंगे जैसा रुनेसा में जो टॉप में है ठीक है वो है आपका शेक्सपियर सिडनी एंड स्पेंसर तीनों आप लोग याद रख सकते हैं वीनेस एंड अडानस वीनेस एंड एंड अडोस जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपके 1593 में एंड वीनेस एंड अडानिस के बारे में अगर हम बोलें शॉर्ट में अगर आपको एक नोट याद रखना है शुरुआत आप लोग इंग्लिश लिटरेचर की कर रहे हैं तो आप लोग याद रख सकते हैं कि वीनस फॉल्स इन लव विद अडोनिस इसमें जो स्टोरी इस है उसमें जो विनस है शी फॉल्स इन लव विद एडोनिस एंड हु केयर्स फॉर हंटिंग एंड रिजेक्ट्स हर ही वॉज किल्ड बाय अ वाइल्ड बोर एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन टू स्टोन तो इसमें सिंपली uh, जो एडोनिस है वो क्या हो जाता है सो वीनस फॉल्स इन लव विद एडोनिस वीनस जो है वो एडोनिस से क्या करना शुरू कर देती है प्यार करने लग जाती है लेकिन एडोनिस जो है वो क्या करता है कि ज़्यादा उसे हंटिंग से ज़्यादा प्यार रहता है और बाद में जो अडानिस है उसको क्या कर लेता है एक बोर जाके उसे मार देता है और वो क्या बन जाता है एक स्टोन बन जाता है सो दिस इज़ अ सिंपल स्टोरी यू शुड रिमेंबर अबाउट वीनस एंड अडोस फिफ्टीन अब जो इस यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपको एक्चुअली मैं uh, जो सोच रहा था वो ये था कि आपको इसे याद कैसे रखना है तो जो स्टोन होता है वो 93 थ्री का बन जाता है आपको शॉर्टकट ऐसे याद रखना है ओके okay? कितने के जी का 93 थ्री के जी का स्टोन बन जाता है कौन अडानिस तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा हमेशा कि जो वीनस एंड अडानस है वो 93 में आप लोगों का पब्लिश हुआ था द देप ऑफ़ द ल्यूक्रस लेप ऑफ द ल्यूक्रिस्फ्टीन नाइनटी फोर में एंड डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ साउथ तो इस किस को डेडिकेट किया गया था ऑल ऑफ साउथ को डेडिकेट किया गया वर्क है इसमें शेक्सपियर प्रोसीड द रिप्रजेंट

टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड ये बेसनीो इसको सिंग करता है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये सॉन्ग आपको देखने को मिलता है सिंग नो मोर लेडीज बाल थाजा मच अ डू अबाउट नथिंग में ये सॉन्ग हमें देखने को मिलता है टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे ये मेजर मेजर में है तो जो भी उन्होंने अपने प्लेज लिखे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं ये सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं और ये सॉन्ग्स से हमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं इनको Uh, याद रख सकते हैं जैसे फैंसी बेसनियो एंड बाल थिंगस इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं एंड मेजर दोज लिप्स इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए एक शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं आप इंट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं किसी वर्क से uh, कई बार क्वेश्चन ये होता है कि हम किस तरह से याद करें चीज़ों को तो याद करने का एक सिंपल फार्मूला है सिंपल फंडा ये है कि हम लोग क्या हमें करना क्या होता है हमें उस वर्क से आ, कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन बढ़ा लेना अगर इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो हमें ऑलरेडी चीज़ें याद हो जाएंगी तो अब हम बात कर रहे हैं सोनेट के बारे में तो सोनेट में ऑरिजिनेटिड इन इटली इन फोर्टीन सेंचुरी अगर सोनेट की बात करें तो ये भी इटली से शुरू हुआ था रुनेसा की बात करें तो इटली से शुरू हुआ था सोनेटो किस वर्ड से सोनेट बना हुआ है ये आपका बना हुआ है सोनेटो वर्ड से सोनेटो वर्ड जो है वो अ लिटिल साउंड को रिप्रेजेंट करता है सोनेट रीज इंग्लैंड इन थर्ड डिकेट ऑफ द दिक्सटीन सेंचुरी और जो सोनेट इंग्लैंड में पहुंचा वो कब पहुंचा देखिए फोर्टीन सेंचुरी में कहाँ पे है इटली में एंड थर्ड डिकेट ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी में कहाँ पर पहुँच रहा है इंग्लैंड ब्रिटेन में पहुँच रहा है वॉइट इंट्रोड्यूस्ड पेट्राकन मॉडल उन्होंने वॉइट ने जो आ, इंट्रोड्यूस किया था वो पेट्रैकन मॉडल यूज़ किया था और 31 वन उन्होंने लिखे थे तो मैंने इसे इस तरह से याद किया था कि 31 वन वॉट का जो है आ, आप एक बल्ब सोच सकते हैं 31 वन वॉट का बल्ब ओके सो थर्टी वन उन्होंने याद आ, लिखे थे एल्जैथ सोनीटियर सो तो जो एलजबैथन सोनीटियर्स हैं एलजबैथ के टाइम के जो सोनीटर्स हैं वो हैं आपके थॉमस वाटसन and uh, in 1582 he published 100 poems of love uh, or passion and uh, these were 80 18 line long so आप लोग देख सकते हैं कि जो पब्लिश हुए थे थॉमस वॉटसन ने जो अपने 1582 में पब्लिश किए थे वो 18 लाइन के सॉनेट्स हुआ करते थे and second volume by watson the tear of fancy or love distend दीज व फोर्टीन लाइन्स सोनेट्स और यहाँ पर फोटीन लाइन्स के सोनेट्स हमें देखने को मिलते हैं नंबर ऑफ सटायर आप सटायर अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो सटायर जो हैं जॉसेफ ऑल ने थर्टी फोर सोन सटायर लिखे थे एंड वाइट ने थ्री सटायर्स लिखे हैं थॉमस लॉज ने फोर जॉन्डन ने फाइव एंड स्पेंसर ने वन तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है शॉर्ट नोट्स uh, बहुत जग, कम जगह आप लोगों को मिलती है तो आप लोग इन्हें मगब कर लीजिए ये काफ़ी काफ़ी मार्क्स आपके दस ग्यारह मार्क्स आपके हर एग्जाम में बढ़ा देंगे श्योर तो आप इन चीज़ों को मगब करते हुए भी चलिए सर फ़िलिप सिडनी सर फ़िलिप सिडनी के बारे में हम देख चुके हैं कि उन्होंने लिखे थे सोनेट्स फॉलोड पेट्रागन मॉडल तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो सिडनी है उन्होंने कौन सा मॉडल यूज़ किया था तो उन्होंने पेट्राकन फॉर्म यूज़ की थी एस्टोफल एंड एस्टेला दिस वर्क मार्क्स द रियल बिगनिंग ऑफ सोनेट और एस्टोफल एंड एस्टेला जो है उसने उस पॉइंट को जब उसको लिखा गया था वो रियल बिगनिंग उसको माना जा सकता है पेट्राक रोड फॉर लौरा एंड सिडनी रोड फॉर पेनालॉप तो पेट्राक ने किसके लिए लॉरा के लिए क्या किया था अपने सारे सोनेट उसने डेडिकेट किए थे जबकि जो सिडनी था उसने किसके लिए किया था पेनालॉप के लिए किया था एंड कैन यू टेल मी कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने सोनेट किसको डेडिकेट किए थे अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एडमेंड स्पेंसर अ थिएटर ऑफ वर्ल्ड लिंग्स हिज अली कलेक्शन तो उनका जो स्पेंसर का कलेक्शन था वो था आपका अ थिएटर ऑफ वर्ल्ड लिंग्स एंड अमर एमरती जो फेमस एटी एट सोनेट्स का उनका कलेक्शन है और उन्होंने किसके लिए लिखा था उन्होंने एल्जबैथ बॉयले के लिए लिखा था तो यहीं पर आप लोगों के कुछ क्वेश्चनस क्लियर हो जाते हैं कि पेट्राग ने किसके लिए लिखा था लौरा के लिए और सिडनी ने किसके लिए लिखा था पैनलॉप के लिए और जो स्पेंसर थे उन्होंने किसके लिए लिखा था वो थे आपके एलजबेथ बॉयले और शेक्सपियर ने किसके लिए लिखा था वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो अब तो हमारा टॉपिक चल रहा था रूनीसा और रूनीसा में हम सोनेट्स के बारे में पोइट्री के बारे में और कैसे रूनीसा स्टार्ट हुआ इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में होपफुली आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी अब हम बात करेंगे रिनेसा पीरियड में प्रोज़ के डेवलपमेंट का या प्रोज़ का क्या इंपॉर्टेंस थी रिनेसा को लाने में बर्थ ऑफ नॉलेज में जो प्रोज़ का पार्ट था वो क्या था और कैसा था और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से बनते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नाम आता है जो है वो है आपका बेकन बेकन इनागरेट ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश तो अगर हम फादर ऑफ़ ऐसेज भी इंग्लिश में बोलते हैं तो वो हम बेकन को ही बोलते हैं तो बेकन कौन है आपके फ़ादर ऑफ़ इंग्लिश इंग्लिश ऐसे राइटिंग अब यहाँ पर बात आती है कि उन्होंने इनाग्रेशन uh, किया था किसका ऐसे राइटिंग का और प्रोज़ का जो पीरियड था अगर हम बात करें कि प्रोज़ का जो पीरियड था इंपॉर्टेंट जो प्रोज लिखे गए वो किसके बीच में लिखे गए फिफ्टीन सिक्सटीन टू सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव के बीच में रिचर्ड हकलत जो थे पाइनीर ट्रैवल लिटरेचर ट्रैवल लिटरेचर के जो पाइनियर थे वो कौन थे रिचर्ड हकलत थे और जो सिडनी थे उन्हें पाइनीर बोला जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो पाइनियर माना जाता है वो सिडनी को बोला जाता है तो आप इसे सिंपली बी आर एस नाम से याद रख लीजिए बी आर एस बेकन रिचर्ड एंड सिडनी तीनों को आप लोग कनेक्ट कर लीजिए बेकन जो हैं वो एस से कनेक्टेड हैं और जो रिचर्ड हकल थे उन्होंने ट्रैवल लिटरेचर को शुरुआत की थी और जो सिडनी थे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शुरुआत की थी ऐसे ऐसे यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि जो माउंटेन है माउंटेन को क्या माना जाता है फादर ऑफ ऐसे माना जाता है एंड बिगिन इन फ्रांस डॉक्टर जॉनसन कॉलेज लूज सैली ऑफ माइंड तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूज सैली ऑफ माइंड किस लिटरेरी जनरल को कहा गया है तो वो था आपका एसेज को तो ऐसे अगर हम बात करें कि जो डॉक्टर जॉनसन ने किसके लिए कहा लूज सैली ऑफ माइंड ये कहा था ऐसे के लिए अब फ्रेंसिस बेकन के बारे में बात करते हैं फ्रेंसिस बेकन 1561 सिक्सटी वन टू उनके एसेस को आप शॉर्ट तरीके से इस तरह से याद रख सकते हैं टेन थर्टी एट फिफ्टी एट टेन थर्टी एट फिफ्टी एट एंड हियर यू कैन रिमेंबर लाइक दिस नाइन्टी सेवन ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फ़ाइव तो नाइन्टी सेवन में उन्होंने टेन एसेस पब्लिश किए थे ट्वेल्व में उन्होंने थर्टी एट किए थे एंड ट्वेंटी फाइव में उन्होंने फिफ्टी एट एसेज क्या किए थे पब्लिश किए थे सो so, उनको अगर हम उनके एसेज़ की बात करें कि उन्होंने कौन कौन से लिखे थे तो साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल प्रोज में आता है दी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनका एंड इट कंटेंस बैकोनिक फिलासफी और बैकोनिक फिलासफी इसमें हमें देखने को मिलती है हिस्ट्री हिस्ट्री का जो पार्ट है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ हैंनरी एट सेवेंथ उन्होंने लिखा था सिक्सटीन में न्यू अटलेंटिस जो वर्क था वो था सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स एंड इट वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ इस डेथ तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेकिन uh, का वो कौन सा वर्क है जो कि इनकम्प्लीट uh, था और uh, उसका नाम क्या था सो so, ये आपका क्या होगा न्यू अटलैंटिस होगा एंड वैन इट इट वॉज़ पब्लिश्ड तो इसको कब पब्लिश किया गया था सो इट गर पब्लिश इन सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स इट वॉज मॉडल ऑन मोर्स यूटोपिया और जो ये न्यू अटलेंटिस जो वर्क था, किस पे था? ये किसपे मॉडल्ड था इट वॉज मॉडल ऑन मोर्स यूटोपिया ये मोर का जो यूटोपिया था सो so, हमने पिछले ही वीडियो में रूनीसा में देखा कि जो थॉमस मोर का यूटोपिया है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो यूटोपिया हुआ वो पब्लिश कब हुआ सो so, होपली आपको ये याद होगा पिछले वीडियो से इट पास्ट एलियोर्स दी थिंक हाउ बेकन शाइंड दाइजेस्ट दी ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड ये एलेक्जेंडर पोप ने कहा था बेकन के कैरेक्टर के बारे में बेकन के कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वाइजेस्ट थे ब्राइटेस्ट थे लेकिन साथ ही साथ मीनेस्ट भी थे ओके सो वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट किस राइटर को कहा जाता है तो वो थे आपके बेकन फ्रेंसिस बेकन और किसने ये बात कही थी तो वो थे आपके पोप आई एम एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लर्निंग ये किसने कहा था तो ये था आपका बेकन ने कही थी ये बात तो हम बात कर रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस तो एक जो कोटेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो पोप की है और सेकंड ये पूछा जाता है कि हु इज द राइटर हु कॉल्ड हिमसेल्फ एन ऑफ लर्निंग सो ही वाज बेकन तो बेकन खुद को ही एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लर्निंग उन्होंने कहा था नाउ लेट्स कम टू बेन जॉनसन ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोइट तो बेन जॉनसन के बारे में पहली चीज़ ये है कि वो बहुत ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोइट ही रोट एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ एसेस तो एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ एसेज पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है हिज एसेज वर कम्पाइल्ड इन दिम्बो और डिस्कवरीज ये उनका वर्क का एक कॉम्बिनेशन है उनके जितने एसेज हैं बेन जॉनसन के वो आपके किस में कंपाइल किए गए हैं द टिम्बर ऑफ और डिस्कवरीज़ रिटर्न इन सिक्सटीन थर्टी एंड पब्लिश फोस्टमसली अबाउट सिक्सटीन फोर्टी वन तो ये आपका कंप्लीट तो सिक्सटीन थर्टी में हो गया था लेकिन इसे पब्लिश किया गया था सिक्सटीन फोटी वन में जॉन सेल्डन इसके बाद इम्पोर्टेंट जो आ, राइटर आते हैं वो हैं आपके जेन सोल जेन सॉरी जॉन सेल्डन जॉन सेल्डन 1584 एटी फोर टू फिफ्टीन टेबल टॉक टेबल टॉक इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है 1689 में पब्लिश हुआ एंड कॉमनली वी सी अजमेंट फॉल्स अपॉन अ मैन फॉर समथिंग इन हिम वी कैन नॉट अबाइड ये उनकी कोटेशन है एंड यू शुड रिमेंबर इट सिलेबल गवर्नज द वर्ल्ड दिस इज दटेशन उनके कुछ और वर्क हैं जिनमें से द टाइटल्स ऑफ यूमा सिक्सटीन फोटीन में पब्लिश हुई थी एंड द हिस्ट्री ऑफ टीथिस ये आपका सिक्सटीन एटीन में पब्लिश हुई थी तो कोटेशन आपका जैसे अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बुक्स अगर बुक्स का नाम बुक्स का बैकग्राउंड उसका पब्लिकेशन और पब्लिकेशन uh, से मतलब है कि उसका जो पब्लिकेशन डेट होती है तो ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ही हमारे पास रास्ता बसता है जिससे कि हम इसे याद कर पाएँ और वो है रिपीटिशन अब बात आती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो रूनीसा पीरियड था वहीं से लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ था लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे हम एक सीरीज़ भी चला रहे हैं अभी चैनल पर आप लोगों ने होपफुली उसमें मैंने अभी तक सिक्स टू सेवन वीडियोस अपलोड की है अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं साथ ही साथ आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी चलता रहेगा तो जो पहला वर्क था जिसने कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को शुरुआत करने के लिए हम कहीं कि इंग्लिश लिटरेचर में एक फ़ोर्स का, का काम किया था वो था स्कूल ऑफ़ अब्यूज़ स्टीफन गॉसन का स्टीफन गॉसन यू कैन सी हियर सो स्टीफन गौसन द स्कूल ऑफ़ अब्यूज़ स्टार्टेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज़ वेल सो उन्होंने एक तरह से फ़ोर्स का काम किया था ये फिफ्टीन में स्टार्ट हुआ था और उन्होंने जो पोइट्स थे पोइट्स वर कॉल्ड फादर ऑफ़ लाइज इस पर बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर बनाया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट में आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं विलियम वेब्स डिस्करस ऑफ इंग्लिश पोएट्री 1586 एटी सिक्स के जो एग्जिस्टेंस इन दिस इन दिस पीरियड एंड जॉर्ज पुटिन हम्स द आर्ट ऑफ पोइजी इन फिफ्टीन एटी में उन्होंने इसे पब्लिश किया था जो देन नेक्स्ट वन इज सिडनी डिफेंस ऑफ पोइजी डिफेंस ऑफ पोइजी फिफ्टीन नाइनटी फाइव वॉज द आंसर और रिप्लाई टू स्कूल ऑफ अब्यूज बाय स्टीफन गौसन स्टीफन गौसन का जो वर्क था स्कूल ऑफ अब्यूज सेवेंटी नाइन में उसका रिप्लाई नाइन्टी फाइव में किसने दिया था सिडनी ने दिया था रिमेंबर दिस थिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और डिफेंस ऑफ पोइजी इसके जितने पार्ट हैं डिटेल में आप लोग लिटरे क्रिटिसिजम पार्ट में देख सकते हैं रिलीजियस जो प्रोज है two memorable works of uh, this period. Uh, we see uh, richard hooker's uh, the laws of ecclesiastical poetry, 1594 to 97, and the authorized version of the bible, which came into existence in 1611, yeah, 1611 the authorized version of the bible. so apka literary criticism ka part tha. now if we'll talk about some more uh, important writers of this age, सो so, आप लोग देख सकते हैं उसमें जो फर्स्ट आता है प्रोज वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल यूज फॉर नैरेटिव पर्पज़ बाय सर थॉमस मेलरी एंड कैक्सटन तो नैरेटिव पर्पज़ के लिए अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने यूज़ किया वो थे आपके सर थॉमस मेलरी एंड कैक्सटन इसमें जॉर्ज गैसकॉइन होते हैं इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है आपका दी एडवेंचर ऑफ मास्टर आपको मैं बता दूं कि जो वर्क होते हैं अगर इनको याद करना आपको तो आप फ्लैश कार्ड ज़रूर बनाइए फ्लैश कार्ड से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे द सेकेंड इज जॉन लेली हिज फेमस वर्क यू फी कंसिस्ट टू पार्ट्स उन्होंने एक फेमस वर्क इसी से यूफीज़म भी शुरू हुआ शुरू हुआ था एंड यू द एस ऑफ विट जो 1578 में पब्लिश हुआ था एंड यू एंड हिज इंग्लैंड 1580 में पब्लिश हुआ था दिस स्टोरी ऑफ द यूथ हु लेफ्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस टू सी द वर्ल्ड एंड यू is unknown इज़ अन is सॉरी for its style इज़ it फॉर इट्स स्टाइल एंड इट इज़ कॉल्ड यूफीज़म तो मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि उन्होंने एक स्टाइल को डिवाइज़ किया था बनाया था जिसको कि यूफीज़म बोला जाता है तो यू वर्क से ही शुरू हुआ था और इसमें जो स्टोरी है वो एक यूथ की है जो कि कहाँ रहता है वो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है टू सी वर्ल्ड को देखने के लिए सर फिलिप सिडनी सेकंड जो अभी हमने देखा एंड सिडनीज़ आर्केडिया 1590 इट वाज अ पेस्टोरल रोमेंस रॉबर्ट ग्रीन रॉबर्ट ग्रीन का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपका पेंडेस्टो पेंडेस्टो विच गॉट पब्लिश्ड इन 1588 एंड सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स विंटर स्टेल और शेक्सपियर ने जो विंटर स्टेल लिखी थी वो पेंडेस्टो को uh, हम कहीं एक तरह से मोटिवेटेड मोटिवेशन uh, ले लिखी थी मेमिलिया एंड मैनाफोन इन फिफ्टीन एटी नाइन अनदर राइटर थामस लॉज रोजल इन इन फ़िफ्टीन नाइनटी ए पेस्टोरल रोमेंस एंड शेक्सपियर का जो हम कहें कि सोर्स था एज यू लाइक इट के लिए वो कौन सा वर्क था और रोजेल इन ही था थमस नैश ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट और इनको इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट रियलिस्ट माना जाता है इनके जो वर्क थे एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी इज स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेंपरेरी मैनर्स एंड क्रैस ओवर जेरोसलम इनका नेक्स्ट वर्क है 1593 थ्रो लाइट अपॉन द मॉरल्स ऑफ एलजेथ लंडन टेरर्स ऑफ नाइट अबाउट सुपरस्टिशन ऑफ़ द एज ये थॉमस नेशन ने इन चीज़ों के बारे में लिखा एंड दी अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं दी अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन फिफ्टीन नाइन्टी फोर द फर्स्ट पिकारिस्क नॉवल तो अगर इंग्लिश में पूछा जाता है कि पहली पिकारिस्क नॉवल कौन सी है सो uh, so वो आपकी होगी द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन ये एक ही नाम है दोनों का सेम वर्क uh, का एंड दैट वॉज रिटन बाय थॉमस